हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत पुराण प्रथम स्कंद अध्याय नंबर 13, धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। तो आई थिंक हम लोग लास्ट टाइम श्लोक नंबर 17 पे रुके थे। यस, एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यकामात अविज्ञात काल परम दुस्तर। जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते जाते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही दर दबोचता है। राइट, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो ये हम यहाँ पे रुके थे लास्ट इस श्लोक के ऊपर। तो श्रीमद् भागवत के इस प्रसंग में विदुर जी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं धृतराष्ट्र को, उनको देने के लिए आए हैं इंस्ट्रक्शन, ताकि उनको इस भौतिक संसार से मुक्त कर सके। और इसी की कड़ी में ये सब इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे चल रहे हैं। इस आई थिंक श्लोक का एक पर्पट का एक हिस्सा बाकी था, सेकेंड पार्ट आई थिंक, राइट। सेकंड पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते, सेकंड पैराग्राफ में, पिछले पैराग्राफ में उन्होंने लिखा था अंत में, अंत की दो तीन लाइन पढ़ता हूं मैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि उल्टे वे क्षणिक पारिवारिक झंझटों में उलझे रहते हैं और उनकी समझ में यह नहीं आता कि शाश्वत समय अदृश्य रूप से बीतता जा रहा है। उनकी सीमित आयु हर क्षण घटती जा रही है और जन्म मृत्यु एवं रोग तथा बुढ़ापे के चक्कर की सबसे बड़ी समस्या जो के तो बनी रहती है, यही भ्रम कहलाता है। फिर दिन प्रभुपद आगे लिखते हैं, किंतु जो व्यक्ति भगवान की भक्तिमय सेवा के प्रति जागृत रहता है उस पर यह भ्रम प्रभाव नहीं डाल सकता। जैसे भागवत के द्वितीय स्कंद में आपको श्लोक आएगा कि दिन प्रतिदिन जैसे हर रोज सूरज ढलता है, राइट, मतलब आपका एक दिन क्या हो गया, आप कभी जेल में बंद हुए होंगे तो आपको पता रहेगा। कभी कोई जेल में बंद हुआ है, किसी राजनीतिक सत्याग्रह करने के लिए गए होंगे कभी, मतलब अच्छे कारण के लिए बोल रहा हूँ मैं, लगता तो नहीं आपको यहाँ सभी को देख कर कि किसी दूसरे कारण के लिए कभी जेल में बंद हुए हो। तो दिन काटते हैं ना लोग, चलो भाई आज का एक सूरज ढल गया, आज का एक दिन कट गया, चलो दूसरा दिन कट गया, चलो तीसरा दिन कट गया, राइट। कट गया मतलब क्या है, आपको काट रहा है वो, आप काट नहीं रहे उसको, राइट, समय आपको काट रहा है, आप नहीं काट रहे उसको। लेकिन या कौन सा श्लोक था वो, द्वितीय या भागवत के द्वितीय स्कंद का श्लोक है, आयुर्हरति वै पुंसाम, इसके बिगिनिंग की लाइन आती है। तो वहां पे लिखते हैं कि लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने आप को भगवान को डेडिकेट किया है, वो एक दिन जैसे उनके उसके जीवन का कटता है तो क्या होता है, वो एक दिन मतलब उसके जीवन का और करीब चला गया भगवान के। अब समझ रहे फर्क, ये समझो दो लोग चल रहे हैं रास्ते में, दोनों के अलग अलग डेस्टिनेशन से, एक को फांसी होने वाली है और एक को अवार्ड मिलने वाला है, दो रास्ते से जा रहे हैं। तो जो फांसी मिलने जा रही है जिसको, जैसे एक एक कदम बढ़ता है, वो एक एक कदम अपनी मृत्यु की तरफ बढ़ते जा रहा है, और जिसको अवार्ड मिलने वाला है वो एक एक कदम अवार्ड की तरफ बढ़ रहा है, राइट। तो जो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को लेकर चलते हैं, अपने आध्यात्मिक पहचान को लेकर चलते हैं और उसके हिसाब से जीवन जीते हैं, वो एक एक कदम भगवान के करीब जा रहे हैं। और जो लोग आध्यात्मिक जीवन से विपरीत भौतिक जीवन जी रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं मौत के करीब, एक एक क्षण, एक एक दिन, और फिर जब शरीर छूटेगा फिर एक नई कहानी, नया घर, नया परिवार, नया दुकान, नए खिलौने, नई किताबें, नए कपड़े, नए पत्नी, नए पति, नए बच्चे, सब कुछ नया संसार, राइट। तो यह इसलिए प्रॉपर लिख रहे, किंतु जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में सेवा के प्रति जागरूक रहता है उस पर यह भ्रम प्रभाव नहीं डाल सकता। युधिष्ठिर महाराज तथा उनके भाई पांडव सभी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते थे,
इसलिए उन्हें इस भौतिक जगत के मायावी सुख के प्रति तनिक भी आकर्षण नहीं था। इसलिए ना भगवद गीता में कहते हैं पद्म पत्रम एवं मसा, आप इस जगत में हैं लेकिन फिर भी इस जगत के नहीं है, राइट। कीचड़ में रहते हुए भी आप क्या हैं, साफ सुथरे रह रहे हैं, जैसे कमल कीचड़ में खिलता है ना, कीचड़ में रहता है लेकिन कितना सुंदर फूल निकालता है वो उसमें से। तो एक्चुअली भगवान ने गीता के उस एक श्लोक में इस भौतिक जगत का सारांश दिया है, बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन। चलो आपने ले ही लिया, अभी नहीं लेना था, आपने ले ही लिया, तो अभी जो भी आपको मिला है, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्चंत उच्चते, राइट, जो भी मिला है उसको कृष्ण के सेवा में लगा दो, वो स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा। जब कीचड़ में कमल खिल सकता है, राइट, तो हम भी कीचड़ में ही है ना, तो हम भी अपना कमल खिला सकते हैं 2024 में। वो कमल भी और आध्यात्मिक कमल भी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्योंकि वो ऑप्शन हमारे पास हमेशा रहता है। तो कीचड़ में पैदा हुए तो क्या हुआ, कमल ने ऐसा नहीं बोला अरे हाय हाय मैं कीचड़ में पैदा हो गया, नहीं, वो अपना कीचड़ को इस्तेमाल करके उसमें से न्यूट्रिएंट लेकर अच्छा फूल खिला देता है। उसी प्रकार ठीक है, ये संसार एक कीचड़ जैसा है, नहीं, कितने सारी ऐसी चीजें हैं जो कीचड़ जैसे, भाई इंटरनेट क्या है, कीचड़ तो है लेकिन इतना अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है उसका, उसमें से कमल खिला रहे हैं आप, राइट, एकदम फ्रैग्रेंट, और वही चीज जो आपके बंधन का कारण बन सकती है वही चीज आपके क्या हो रहा है, मुक्ति का कारण बन रही है, राइट। बरसाने की चोरी माता जी को मालूम है, झूम में जपा करती है वो, आनंद वृंदावन प्रोगे। 2020 के बाद तो एक नया ही दुनिया खुल गया जो लोग खोलना चाहते थे। और एक्चुअली 2000 जो कोविड आया तो मैक्सिमम लोग एडिक्ट हो गए, मालूम है, इंटरनेट से। ऐसे कई स्टैटिस्टिक्स हैं वो बताते हैं कि सबसे ज्यादा एडिक्शंस गलत चीजों के कोविड के टाइम में लोगों को लगे हैं, लेकिन जिसको भगवान के भक्तों का संग है उसको अच्छी एडिक्शन भी मिले। तो कोविड आया तो उसने उसके साथ साथ आपको एक नया दुनिया भी दिया, ऑनलाइन फील्ड का। मैं तो आज हम लोग नहीं रहते हैं, आपने कहाँ कहाँ से जुड़ते हैं आप लोग, दिल्ली मुंबई कलकत्ता, वो जूम में आता ना, दिल्ली मुंबई कलकत्ता। सही बोल रहा था, जूम दिल्ली मुंबई कलकत्ता से लोग जुड़ेंगे भगवत गीता भागवतम पढ़ने के लिए। तो कीचड़ में से भी हम क्या कर रहे हैं, फूल खिला रहे हैं, श्रील प्रभुपाद के मार्गदर्शन में, गुरु महाराज के मार्गदर्शन में, राइट। तो इसलिए भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं या फिर जो प्रोग्रेसिव हैं या फिर प्रोग्रेस कर रहे हैं भगवान की भक्ति की तरफ, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सच किशोर माता जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा। अच्छा, हमने कमल बोला तो आपने हाथ दिखा दिया। ठीक है ना, हमको कमल से लेना देना है ना हाथ से, हमको उससे लेना देना है जो हमें अध्यात्म के मार्ग पे चलने के लिए हेल्प करेगा। तो चाहे वो कमल हो या फिर चाहे वो हाथ हो, राइट, दैट इज अवर फिलोसोफी। तो ऑफकोर्स देन आगे प्रभुपाद लिखते हैं एक लाइन में कि अतः ऐसा कोई भी सुख या भौतिक सुविधा जो शाश्वत जीवन प्रदान नहीं कर सकती, शाश्वत जीव के लिए भ्रम ही है। इसे राजानंद महाराज इंग्लिश लेक्चर में कहते हैं ग्रैंड इल्यूजन ऑफ मटेरियल लाइफ। ग्रैंड इल्यूजन मतलब क्या, एकदम जबरदस्त भ्रम, मतलब सजावट के हुआ भ्रम, है ना। जैसे भागवत में कई बार आपको उदाहरण आएगा कि आप जंगल से चल रहे हैं और आपको एकदम सुंदर हरा भरा घास का सुंदर एक रास्ता दिखता है, कालीन, हरा हरा कालीन घास का, लेकिन पता चला उस पे पैर रख दिया तुरंत नीचे गिर गया, क्योंकि उसके नीचे बहुत बड़ा कुआं था। ऐसा वैसा कुआं नहीं था, वो सूखा कुआं था, कुआं भी रहता है पानी से भरा हुआ, तो पानी से भरे हुए कुएं में गिरेंगे तो क्या होता है, थोड़ा कम मार लगता है। लेकिन अगर ऐसे कुएं में गिर जाएंगे जिसमें पानी ही नहीं है, सूखे कुएं में, तो क्या होता है, खत्म, हड्डी पसली एक हो जाती है ना। फिर वो अमोक लीला प्रभु का एक लेक्चर है जो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। उसमें कहते हैं वो कुएं में गिर जाता है, फिर जोर से चिल्लाते हैं
कोई है कोई है कोई है, प्रभु जी अपने स्टाइल में बोलते हैं, कोई है कोई बचाएगा मुझे, कोई बचाएगा। तो सामने से फिर आवाज आता है, मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपको बचाऊंगी। तो ऑफकोर्स मतलब ऐसा नहीं कि कोई गृहस्थ या ब्रह्मचारी का कोई मतलब या कंपैरिजन है, इन द सेंस कि माया जो रहती है वो कहती है मैं हूं ना आपके साथ, एंड देन वो आपको यू नो इस भौतिक जगत में भ्रमित करती रहती है। जो सत नहीं है उसको यू नो, जो असत नहीं है उसको सत कहती है और सत को असत कहती है, राइट। तो ऑफकोर्स इसी प्रकार प्रभुपाद इस प्रपोर्ट को पूरा करते हैं एंड देन आगे कहते हैं कि जो इस तथ्य को समझ लेता है वो विद्वान है, और ऐसा विद्वान व्यक्ति ब्रह्म सुख नाम से विख्यात वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी भौतिक सुख का बलिदान कर सकता है। लेकिन ये तभी संभव है जब हम यू नो बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, सशक्त अस्त्र शस्त्रों से लैस हो। अभी आर्मी को अगर फाइट करना है वॉर में तो अस्त्र शस्त्र भी लगते हैं, स्ट्रेटेजी भी लगती है, इंस्पिरेशन भी लगता है यू नो अपने साथियों का। अदरवाइज बड़े से बड़ा आर्मी भी क्या हो सकता है, डिफीट उसका हो सकता है। वही तो हुआ था ना महाभारत में, भगवान कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर कह दो अश्वत्थामा हतो हत, बराबर ना। युधिष्ठिर महाराज ने कह दिया नरो व कुंजरो, थोड़ा हल्के से कह दिया क्योंकि वो थोड़े सत्यवादी थे। लेकिन जब द्रोणाचार्य ने सुना तो क्या हो गया, मनोबल टूट गया, राइट। तो उसी प्रकार हमें अगर अपना मनोबल बनाए रखना है तो भक्तों का संग चाहिए, को भी ऐसे भक्तों का संग जो इस मार्ग पर एकदम स्ट्रिक्टली चल रहे हैं, बिना यहाँ देख इधर उधर देखे। तो ऐसे भक्तों के संग में हम लोग तथाकथित भौतिक सुख का बलिदान करने के लिए तैयार हो सकते हैं। एंड देन प्रभुपाद लिखते हैं इस सुख के लिए वास्तविक योगी तक लालायित रहते हैं। जिस तरह भूखा व्यक्ति भोजन के बिना अन्य समस्त सुख सुविधाओं से सुखी नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार जिसे आध्यात्मिक परम सुख की भूख है उसे कितने ही भौतिक सुख सुख क्यों न प्राप्त हो किंतु उसकी यह भूख बुझती नहीं, राइट। एंड फाइनल लिखते हैं यह धृतराष्ट्र जैसे व्यक्तियों के लिए है नो ये श्लोक, जिन्हें शिक्षा देने के लिए विदुर विशेष रूप से आए हैं और हम सबको शिक्षा दे रहे हैं उसी के माध्यम से कि जीवन की सच्चाई क्या है, जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, हमें इस बंदी गृह में नहीं रहना है, राइट। जेल में कितनी भी अच्छी सुविधा मिले आखिर जेल ही होता है ना, भले आपको एकदम फाइव स्टार होटल जैसा ट्रीटमेंट मिले रहने के लिए खाने पीने के लिए, लेकिन बंदी हैं आप। लेकिन यही तो माया का भ्रम है कि हम समझ नहीं पाते कि हम लोग क्या है, बंदी हैं, राइट। और इसकी वजह से हम संसार में भटकते रहते हैं। एंड देन आगे फिर विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र को श्लोक नंबर 18 में, सृष्टिपति प्रभु पढ़िए श्लोक नंबर 18। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विदुरः तद अभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम अभाषत राजन् निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम्। महात्मा विदुर ये सब जानते थे, अतएव उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा हे राजन, कृपा करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल चलिए, विलंब न कीजिए, जरा देखिए तो भय ने किस प्रकार आपको वशीभूत कर रखा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड वंदन प्रणाम। क्या हो रहा है जरा देखिए तो, अपने बड़े भाई को किस तरह से कह रहे हैं, जरा देखिए तो राजन। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ दंडवत प्रणाम माता जी। कोई तो बोल रहा है फोन पे, कौन समझ में नहीं आता। अच्छा हमें आवाज आ रही है। अच्छा हमारे यहाँ सभी शांत शांत कर देता हूँ, रुकिए अभी शांत कर देता हूँ, कर दिया सबको शांत, टेक्नोलॉजी है ना, अभी रिमोट मेरे हाथ में है। राइट, अभी आवाज नहीं आएगी, अगर आएगी तो वो कहीं बाहर की आवाज रहेगी आपकी इधर की, ठीक है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे राजन, निर्गम्यताम शीघ्रम पश्येदम भयम आगतम। हे राजन कृपा करके यहाँ से शीघ्र बाहर निकल जाइए, विलंब न कीजिए। देखिए सामने से कितना बड़ा सांप आ रहा है, कितनी बड़ी आग अग्नि की ज्वाला भड़क के आ रही है आपके पास, आपके पास बहुत ही कम समय है, जल्दी निकल जाइए राजन, जल्दी निकल जाइए, राइट। इस तरह से समझा रहे हैं ना। अभी देखिए अब ये जो रॉयल ऑपुलेंस दिया गया था, राइट, उस रॉयल ऑपुलेंस में रहने की वजह से हो सकता है कि धृतराष्ट्र क्या हो गए थे, थोड़े ब्लाइंड हो गए थे जीवन के सच्चाई के प्रति। जैसे मैंने कहा कि बंदी गृह में हम लोग रहते हैं तो कभी कभी हमको
अच्छा ट्रीटमेंट अगर लंबे समय तक मिला, हमको लगता है कि यार यही अच्छा है, जेल ही अच्छा है यार, जेल में अच्छा है, काम भी नहीं करना पड़ता है, खाना पीना भी मिलता है। लेकिन वो आनंद आपको कैसे, अज्ञान में मिल रहा है आनंद, ज्ञान में नहीं, इग्नोरेंस में, राइट। जो व्यक्ति पागल नहीं है वो समझ जाता है कि अरे भैया ये जीवन कैसा जीवन जीना यार, जेल में भी जीना कैसा होता है, कौन सा गाना है वो, ठीक है जाने दो, गाना याद नहीं करते। बॉलीवुड में पुराने जो गाने थे, फिलोसॉफिकल, हाईली फिलोसॉफिकल सॉन्ग्स है पुराने, अभी के नहीं लेकिन उस टाइम के, ये थोड़ा उस समय प्रभाव था वैदिक संस्कृति का, जो गाने भी लिखते थे लोग तो थोड़ा फिलोसॉफिकल एंगल और उस मोड में लिखते थे, अभी तो खैर वैसा नहीं रहा, बट लाइक दैट। तो अभी विदुर जी धृतराष्ट्र का कदाचित है ना रॉयल ऑपुलेंस को भोगने की वजह से शायद उस चीज को भूल रहे थे, लेकिन विदुर जी नहीं भूले थे, राइट। विदुर जी ने इसीलिए सब कुछ छोड़ छाड़ के तीर्थाटन में चले गए थे, इतना वर्षों तक यू नो तपस्या करते हुए, भजन करते हुए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हो सकता है कि धृतराष्ट्र इससे अवेयर ना हो, लेकिन विदुर जी अवेयर थे, दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही एज रहा होगा, छोटे भाई बड़े भाई है। तो विदुर जी देख पा रहे थे कि देखो सामने से कितना बड़ा संकट आ रहा है, आपको दिख रहा है? नहीं मुझे तो नहीं दिख रहा है, कैसे दिखेगा आपको ऐसे, ये आपको दिख रहा है सृष्टिपति प्रभु सामने से भय आ रहा है? नहीं दिख रहा है। ये उसके लिए अलग चश्मा लगता है, उसके लिए लगता है शास्त्र चक्षु, आपको सबको दिख रहा है, आप सबको दिख रहा है, इसलिए आप लोग यहाँ भागवत पढ़ रहे हैं और मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं भागवत पढ़ रहा हूँ। तो आपको मैं कभी जब कहता हूँ आई थिंक मैं आपके, मेरे और आपके उम्र में बहुत बड़ा अंतर है। नहीं, ऑलमोस्ट हाफ द एज रहेगा, बट मैं जब भी यहाँ से पढ़ रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, मैं ऑन बिहाफ ऑफ श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज, इसलिए मुझे मतलब सेफ लगता है कि चलो मैं जो बोल रहा हूँ प्रभुपाद की बिहाफ पे बोल रहा हूँ। तो एक्चुअली मेरे कोई एक्सपीरियंसेस नहीं है, रेवलेशंस नहीं है, यहाँ पे जो पढ़ता हूँ मैं महाराज से पढ़ता हूँ या फिर प्रभुपाद या फिर चैतन्य चंद्र के नोट से पढ़ता हूँ। तो हो सकता है कि विदुर जी अवेयर, सॉरी धृतराष्ट्र अवेयर ना, विदुर जी पूरी तरह से अवेयर है और देख पा रहे हैं कि कैसे भय आ रहा है। और यहाँ पे जो विशेष शब्द इस्तेमाल किया गया है, वही शब्द भगवद गीता में दुर्योधन के लिए इस्तेमाल किया गया था, राजन करके प्रथम अध्याय में, यू नो धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र के वार के टाइम में। हालांकि दुर्योधन उस समय राजा नहीं थे, फिर भी संजय धृतराष्ट्र दुर्योधन को एड्रेस करते समय राजन करके यू नो बुलाते हैं, प्रथम अध्याय के पहले छह सात श्लोकों के बीच में आता है वो श्लोक। इस तरह यहाँ पे भी धृतराष्ट्र को राजन करके इस्तेमाल किया गया है। तो राजा कौन है यहाँ पे, अभी राजा है क्या धृतराष्ट्र? नहीं ना, फिर भी उनको क्या कहा गया है, राजन कहा गया है। तो ऑफकोर्स प्रभुपाद पर्पट में लिखते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि या एक तरफ से तीसरी चौथी लाइन में, एक तरह से राजमहल का प्रत्येक व्यक्ति राजा तथा उनके भाइयों एवं माता सहित विदुर के भाषणों को, ये देखिए ये भी एक दूसरी इंटरेस्टिंग चीज जो पहले कहा था कि ये जो प्रवचन हो रहा है, मतलब धृतराष्ट्र को जो ये गाली गलौज हो रही है, ये ओपनली हो रही है पब्लिक में, धृतराष्ट्र को भी मानना पड़ेगा, मतलब इतना सबके सामने ह्यूमिलिएट होना। अब विदुर जी ने ऐसा एक रिस्पेक्टेड पोजीशन होल्ड कर लिया था कि धृतराष्ट्र को सुनना ही पड़ेगा, राइट। उस स्टेज पे विदुर जी पहुंच गए थे, महात्मा के स्टेज पे, हालांकि छोटे भाई थे, राइट। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, अध्यात्म के मार्ग में वो थोड़े बड़े चढ़े हैं और इसलिए वो सुन रहे हैं उनका, राइट। किंतु विदुर को ज्ञात था कि उनके उपदेश विशेषकर धृतराष्ट्र के ही निमित्त हैं, क्योंकि वे अत्यधिक भौतिकवादी थे। राजन शब्द से धृतराष्ट्र को विशेष रूप से संबोधित किया गया है, राइट। और ऑफ कोर्स फिर प्रभुपाद पूरा हिस्ट्री वहां पे देते हैं कि राजन उनको क्यों इस्तेमाल किया गया है शब्द, क्योंकि वो क्या बनना चाहते थे, राजा बनना चाहते थे, राइट, धृतराष्ट्र। तो जिसका जो मेंटेलिटी है उसके हिसाब से उसको एड्रेस किया जाता था कि कम से कम सुन लेगा यार, राजन कहूंगा तो, है ना, अगर मैं नहीं बोला तो राजा, ऑफकोर्स अभी राजन बोलते हैं लेकिन बाद में जबरदस्त शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, हिला देंगे उनको, बोलेंगे तुम राजा नहीं हो, बट शुरुआत ऐसे कर रहे हैं यहाँ से। और युधिष्ठिर महाराज ने पूरे हस्तिनापुर के पैलेस में ऐसा सिचुएशन बनाया था, भले वो रेफ्यूजी जैसे रह रहे थे धृतराष्ट्र,
रेफ्यूजी बोलेंगे ना उनको, क्या बोलते हैं हिंदी में आप रेफ्यूजी को? शरणार्थी, राइट? शरणार्थी, हाँ। तो अभी युद्ध में जिसके साथ आप फाइट कर रहे हैं वो हार गया, वो शरणार्थी हो गया ना। लेकिन शरणार्थी रहते हुए भी युधिष्ठिर महाराज ने कभी ये नहीं कहा कि आप शरणार्थी हैं, आप हमारे अंकल हैं, ताऊ हैं, चाचा हैं, आप ठीक से रहिए, एकदम मजे से रहिए। और पैलेस के सभी मंत्रियों को, जितने भी यू नो मिनिस्टर थे उनके या फिर नौकर, सबको बोल के रखा था ये इनको रिस्पेक्टफुल डीलिंग करना है, राइट? उनको कभी भी इंसल्ट नहीं करना है। तो अभी विदुर जी का देखिए स्ट्रेटेजी कैसा है। विदुर जी क्या कर रहे हैं, वो अफेक्शन डेवलप कर रहे हैं धृतराष्ट्र और उनके बीच में। आप समझ रहे हैं इस बात को, ये सटल कैसा पॉइंट है साइकोलॉजिकल। एक प्रेम का संबंध स्थापित कर रहे हैं पुनः, आप राजन हैं, आप राजा हैं, राइट? लेकिन अभी राजा शब्द का अर्थ क्या होता है वो अगर आप आचार्य की कमेंट्री पढ़ेंगे तो उसमें से आपको और अर्थ मिलेगा उसका। ये कहकर यू नो राजन शब्द का इस्तेमाल कर अफेक्शन तो डेवलप कर रहे हैं, लेकिन राजा मतलब क्या होता है, जो लीड करता है, राइट? वन हु लीड्स इज कॉल्ड अ किंग, जो प्रजा को, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, नेतृत्व करता है, राइट? राजन का अर्थ है, राजा का अर्थ है जो अपनी प्रजा को नेतृत्व करता है। तो इनडायरेक्टली ये टॉन्ट है, रिस्पेक्ट भी है लेकिन इनडायरेक्टली टॉन्ट भी है, ताना मार रहे। आप सचमुच राजा का जैसे जी रहे हो क्या? राजा का कर्तव्य क्या होता है? राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा को क्या करता है, वो नेतृत्व करता है और जीवन के सही यू नो मूल्यों को सिखाते हुए सही दिशा में लेके जाता है। क्या राजन आप लेके जा रहे हैं उनको सही दिशा में? आपका उम्र अभी क्या हो गया है, रिटायर होने का आया है। वैदिक सिस्टम के हिसाब से जो वर्णाश्रम पद्धति रहती है, ब्राह्मण क्षत्रिय सॉरी ब्रह्मचारी वानप्रस्थ गृहस्थ, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास, अभी आपका टाइम वानप्रस्थ लेने का टाइम आया है। क्या आप सही में अपने आप को राजा कह रहे हो, लेकिन राजा के जैसे जी रहे हो क्या? राजा के जैसा नेतृत्व कर रहे हो क्या? चित्र लेकर सके मत, आपको समझ में आएगी नहीं समझ में आए। अगर आप बोलेंगे घर में कोई माता पिता है, इसीलिए भागवत क्या कहता है, गुरु ने सस्यात, जननी ने सस्यात, पिता ने सस्यात, किसी को माता बनने का अधिकार नहीं है, पिता बनने का या फिर कहलाने का अधिकार नहीं, अगर आप अपने डिपेंडेंट को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं करा सकते। सेम यहाँ पे ये पॉइंट रेज किया जा रहा है। तो उसको माता पिता नहीं कहेंगे, तो आप घर में जाके बोलना मत किसी को अभी, ए तुम मेरे माता पिता नहीं हो, मुझे भौतिक संसार में बंदी बना दिया। नॉट लाइक दैट, हम लोग विदुर जी से प्रेरणा लेके फिर आपके अपने डिपेंडेंट है उनको देने का कोशिश कीजिए, बट अभी जो हमारे हैं वो है, जैसे करने दे रहे हमको करते रहिए, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि राजा इज वन हु लीड्स, यू आर मेंट टू लीड द प्रजा, आप लीड नहीं कर रहे हो, इसीलिए एक तरह से एक ताना भी है कि आप यू नो राजा कहने के लायक नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं आपको राजा कह रहा हूँ। अभी ये धृतराष्ट्र को समझ में नहीं आ रहा है, बट द इनर मीनिंग इज लाइक दैट, राइट? और इसीलिए कह रहे हैं कि देखो आपके सामने क्या आ रहा है, आपका समय हो गया है इस जगह को छोड़ने का, लेकिन आप छोड़ नहीं रहे हैं, राइट? जैसे यू नो आपके सामने से अगर कोई बड़ा, आप रास्ते में चल रहे हैं और आपके सामने से कोई बड़ा भयंकर सांप आ जाए, तो आप कहते हैं ना अरे केयरफुल रहो, सामने से सांप आ रहा है, बचो। लेकिन अगर आपको दिख नहीं रहा है तो आपको यू नो कौन बचा सकता है फिर? अभी धृतराष्ट्र अपने राजसी थाट बाट और उस पैलेस में रहने के लिए इतना आसक्त हो गए हैं कि उस चीज को देख ही नहीं पा रहे हैं कि मेरे सामने इतना बड़ा काल सर्प खड़ा है। अब आप बोलेंगे कि इसमें इतना बड़ा क्या है यार, वो आएगा, मृत्यु आई खत्म हो जाएगा। यार देखिए, हम लोग वैदिक फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखते हैं, ये मनुष्य जीवन 84 लाख योनि में बहुत ही बड़ा वरदान है जीवात्मा के लिए। इस योनि में हम लोग अपनी चेतना को अच्छी तरह, देखिए टॉप मोस्ट योनि है 84 लाख योनियों में, राइट, मनुष्य की। फिर मनुष्य के भी 4 लाख योनियां हैं, उसमें से वो है ना जो योनि जो कुछ सुन सकती है, ठीक से समझ सकती है और वैदिक मूल्यों को फॉलो कर सकती है, वो टॉप मोस्ट है, राइट? और अगर वो उस चीज को ग्रहण करके अच्छा बन के अपने चेतना को अगर इवॉल्व करके इस भौतिक जगत से मुक्त नहीं हो पाई, तो फिर क्या है, वो एक तरह का दुरुपयोग है, यू नो, और दुर्भाग्य है उस योनि का। फिर उसको नीचे जाना पड़ेगा,
अनेक अनेक योनियों में फिर घूमने के लिए 84 लाख कीड़ा मकोड़ा बनो, मच्छर बनो, यू नो कोरोना वायरस भी बन सकते हैं। फिर सारे संसार में हाहाकार मचा दो आप, मैं कोरोना आया हूँ, हाहाकार मचाने। जितने लोग इस कोरोना काल में मतलब कोरोना वायरस को सोच सोच कर शरीर छोड़े होंगे, सोचिए उनको क्या हुआ होगा। अंत काले चमामे व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्तेत्र संशयम। ठीक है, ये यू नो विज्ञान है। प्रभुपाद इसलिए कई बार कहा करते थे कि ये विज्ञान है, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ साइंस, कोई ब्लाइंड फेथ नहीं है, राइट। तो इस तरह से हेवी इंस्ट्रक्शन देकर उनको अभी क्या कर रहे हैं, हिला रहे हैं। राजन शीघ्रम शीघ्र कीजिए, आपके सामने इतना बड़ा भाई खड़ा हुआ है, राइट। ऑफ कोर्स फिर प्रभुपाद आगे, अगर थोड़ा आगे जाएंगे आप, प्रभुपाद लिखते हैं या विदुर धृतराष्ट्र के छोटे कर्तव्य निष्ठ स्नेही भाई एवं एक साधु पुरुष होने के कारण एक साधु पुरुष उन्हें रोग तथा बुढ़ापे की नींद से जगाना चाह रहे थे। अतः उन्होंने व्यंग्यपूर्वक धृतराष्ट्र को राजन कहकर संबोधित किया, जबकि वास्तव में वे राजा नहीं थे। हर व्यक्ति सनातन काल का दास है, अतः कोई भी इस भौतिक जगत में राजा नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है, मुझे क्या लगता है, मैं कंट्रोलर हूं इस क्लास का, आप कंट्रोलर है नहीं, काल कंट्रोलर है। काल जब आता है तो बोलता है बंद करो क्लास, जब आता है बोलता है चालू करो, काल जब आता है बोलता है अभी सो जाओ, अभी उठ जाओ। आप देखिए ना, आपका रेगुलर डेली लाइफ देखिए, 8 बज जाएंगे, 8:30 बज जाएंगे, अभी भोजन दो, फिर अभी सो जाओ, फिर अभी उठो, राइट। हम सब काल के क्या है, दास है, सर्वेंट है। अतः कोई भी इस जगत में भौतिक राजा नहीं हो सकता। राजा का अर्थ है वह जो आज्ञा दे सके, राइट। और आज्ञा कौन दे रहा है, टाइम दे रहा है। प्रभुपाद इसलिए लिखते हैं, एक सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजा काल तथा ज्वार भाटा को आदेश देना चाहता था, किंतु काल तथा ज्वार भाटा ने उसकी आज्ञा को पालन करने से इनकार कर दिया। ऐसे कई लोगों ने आज्ञा देने का प्रयास किया इतिहास में। अतएव इस भौतिक जगत में मनुष्य मिथ्या का राजा होता है, और धृतराष्ट्र को विशेष रूप से उनकी मिथ्या पद का तथा उन वास्तविक भयानक घटनाओं का जो उस समय घट चुके थे स्मरण दिलाया जा रहा है। तुरंत ही इस अवस्था से बाहर निकलने के लिए विदुर जी उन्हें तेजी से बढ़ने वाली इस भयावह परिस्थिति से बचाना चाह रहे हो, राइट। और फिर आपको युधिष्ठिर महाराज के बारे में लिखते हैं, उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को इस प्रकार नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि महाराज युधिष्ठिर इस विकट संसार की भयावह परिस्थिति से अवगत हैं, और कालक्रम में वे स्वयं अपनी रक्षा कर सकेंगे, भले ही उस समय विदुर वहां उपस्थित न हो। देखिए, आप बाद में भगवान श्री कृष्ण जब भगवत धाम चले जाएंगे तो सारे पांडव एक एक करके निकल जाएंगे उत्तर दिशा की ओर, कोई किसी को बोलेगा नहीं कुछ, ना युधिष्ठिर बोलेंगे अर्जुन को, ना यू नो भीम को, ना किसी को, अपना एक एक रास्ता पकड़ लेगा। उस समय प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद का परपट एकदम जबरदस्त परपट है, कि जब समय आएगा प्लेन का उड़ने का, तो प्लेन को अपना प्लेन आपको अकेले ही उड़ाना है। उस समय आपको देखिए, अभी आकाश में प्लेन उड़ता है, दो प्लेन उड़ रहे हैं, ये एक प्लेन दूसरे प्लेन को मदद कर सकता है क्या, कुछ नहीं कर सकता, उसको इंडिपेंडेंटली उड़ना है। प्रभुपाद कहते हैं जब तक जमीन पर है तब तक हम मदद कर सकते हैं कि प्लेन को यू नो अच्छा बनाओ, रख रखाव करो, ऐसे चलाओ, ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन एक बार लैंड हो गया मतलब उड़ गया, आपको जो भी ट्रेनिंग लिया था उसके हिसाब से उड़ना है, राइट। डरना मत, बिल्कुल डरिएगा नहीं। फिर भी भगवान के भक्त इतने कृपाशाली हैं कि आप जब मृत्यु शैया पर रहेंगे तभी आपके बाजू में आके बैठेंगे, बोलेंगे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आवाज देते रहेंगे पीछे से। इसलिए देखिए, ध्वनि जो है ना सबसे सटलेस्ट और सबसे एक्सेसिबल, सबसे पावरफुल है। भले आपका प्लेन उड़ रहा है लेकिन प्लेन आवाज दे सकता है ना, ये मेरा एक्स्ट्रा एडेड परपोट है। बट यू नो मैं उस समय विजुलाइज कर रहा था, यार प्रभुपाद तो बहुत डरा रहे हैं, ऐसा एकदम भयानक, यू नो प्लेन उड़ेगा तो तुमको ही उड़ाना है। पहले इस्कॉन में आया था तो बोला था आपको मरते दम तक अंत तक हेल्प मिलेगा, फिर बाद में बोले एक बार प्लेन उड़ेगा तो आपको ही उड़ाना है। फिर जो आपको प्रभुपाद के दूसरे पर्पस कई जगह पे हैं जो हमें एश्योरेंस और यू नो मतलब एक होप देते हैं कि भक्त जो है वो आपको अंत समय तक मदद करेगा, प्रोवाइडेड आपने किसी से झगड़ा नहीं किया है, क्योंकि अंत में वही भक्त आएंगे आपके पास जिनसे आपका झगड़ा हुआ है, वही आपके कान में महामंत्र बोलेंगे,
राइट, तो इस तरह झगड़ा नहीं कीजिए भक्तों से, प्रेम से रहिए। कितना भी ओपिनियन और डिफरेंस होता है चलता है चलेगा, क्योंकि हम सब इंडिविजुअल हैं, राइट। और उसको वैष्णव एटिकेट वे से रिजॉल्व करना चाहिए जो भी है, लाइक दैट। फिर आगे 19वें श्लोक में और यू नो जबरदस्त चीज कहते हैं विदुर जी धृतराष्ट्र को, हरिप्रायण में पढ़िए 19वां श्लोक। हरे कृष्ण बोल दंड प्रणाम प्रणाम प्रतिक्रिया निश्चय है कुति सुचित कृह चित प्रभु से ऐसे भगवान काले सर्वो सामने है समागत। इस भौतिक संसार में कोई भी इस भयावह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता है। स्वामी शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबों के पास आ पहुंचे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, यू नो कितने सुंदर श्लोक हैं, कह रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आपके पास आ पहुंचे हैं प्रभु, समय के रूप में काल के रूप में, राइट। तो अभी ऐसा हो सकता है कभी कभी कि धृतराष्ट्र क्योंकि क्षत्रिय थे, राइट, बराबर, बहुत सारे लड़ाइयां उन्हें लड़ी होंगी, हजारों हजारों लड़ाइयां जीवन काल में अपने, तो उन्हें ऐसा लग सकता है कि अच्छा मेरे सामने भय आ रहा है क्या। तो भय मतलब क्या होता है, कभी कभी कोई आपके ऊपर अटैक करेगा या कोई यू नो कुछ पॉलिटिक्स करेगा, तो हो सकता है कि आप उसको काउंटर करने का प्रयास करेंगे, राइट। उनके जीवन काल में उन्होंने प्रयास किया होगा, किसी वर्गीय शत्रु का आक्रमण हुआ होगा तो उसको काउंटर करने का प्रयास किया होगा, या फिर किसी का यू नो जो भी जैसे भी आया होगा कोई भी भय उसको काउंटर करने का प्रयास किया उन्होंने। तो विदुर जी सोच रहे हैं कि कहीं धृतराष्ट्र को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि भैया ये जो भय बोल रहा हूं मैं उसका शायद धृतराष्ट्र सोच रहा है कि मैं काउंटर कर लूंगा या फिर इसको कुछ मैं तोड़ निकाल लूंगा। उनको उस भ्रम से बाहर निकालने के लिए विदुर जी कह रहे हैं कि प्रभु इस बार जो आया हुआ भय है ना, ये भय का आप प्रतिकार नहीं कर सकते, है ना। आज तक आपने बहुत सारे भयों का प्रतिकार किया होगा आपके पूर्ण जीवन काल में, और अगर आपने नहीं किया होगा तो आपके जो यू नो जो सोल्जर्स हैं या फिर आपके जो पुत्र हैं उन्होंने प्रयास किया होगा आपके बिहाफ पे, लेकिन ये ऐसा भय है, ये ऐसा डेंजर है कि इसको आप प्रतिक्रिया नहीं कर पाएंगे, यू नो प्रतिक्रिया न यस्यह। इसलिए प्रभुपाद का देखिए प्रपोट कितना सुंदर है, कहते हैं कि ऐसी कोई बेहतर शक्ति नहीं है जो मृत्यु के क्रूर पंजे को रोक सके। इसलिए देखिए ये भौतिक जगत का सबसे सॉलिड प्रूफ कि हम कंट्रोलर नहीं है क्या है, कि इंसान कितना भी यू नो उछल कूद कर ले अपने जीवन काल में, आकाश में उड़े, जमीन को खोद ले, पानी के अंदर या पानी के ऊपर बहुत घूमने, मतलब बहुत दूर तक, अभी तो ड्रिलिंग पानी में भी करते हैं, राइट, पेट्रोल वगैरह ऑयल निकालने के लिए। तो इंसान ने क्या क्या नहीं छोड़ दिया, पानी में भी घुस गया, जमीन में भी घुस गया, हवा के ऊंचाई तक पहुंच गया, जंगलों के दूर दूर कहां कहां हर जगह गया उसने, उछल कूद सब कुछ कर दिया। लेकिन जब टाइम आएगा ना ये सब उछल कूद उसको बंद करनी पड़ेगी। कुछ भी उसने जितने भी जीवन काल में एडवेंचर किए होंगे, पराक्रम किए होंगे, हजारों हजारों लोगों को परास्त किया होगा, बड़े बड़े एम्पायर चलाए होंगे, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन चलाए होंगे, यू नो बड़ी बड़ी सेनाओं का नेतृत्व किया होगा, अंत के समय में किसी चीज का नेतृत्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस समय जो चीज सामने आएगी मृत्यु, उसका प्रतिकार इस संसार में आज तक कोई नहीं कर पाया, ना कोई कर पाएगा। और ये प्रूफ है कि हमारे ऊपर कोई तो एक जबरदस्त कंट्रोलर है जिसका हमारे ऊपर शासन चलता है। अब जीवन का पूरा और अध्यात्म का पूरा यही सारांश है कि उस शासक को ढूंढ निकालना, यू नो उस नियंत्रक को समझना। अब वो तो हमारे पास आने वाला है, आप नहीं चाहेंगे तो भी आएगा ही, बराबर ना सखी प्राण प्रभु, आप नहीं चाहेंगे कि मत आओ ऐसा थोड़ी होने वाला है, आएगा ना आपके पास। यस भाई, हाँ, तो फिर अभी हमें या तो उसको प्रेम से स्वीकार करना है या फिर प्रति नहीं नहीं, नहीं मत आओ मेरे पास। जैसे प्रभुपाद कलकत्ता में पूरी फ्राई कर रहे थे, जापानी लोग बॉम्बिंग कर रहे थे, आपको पता है लीला मृत वर्ण ने बॉम्ब गिर रहे थे, लोगों ने कहा अभय अभय चलो यहां से बॉम्ब गिर रहे हैं, प्रभुपाद ने कहा
यू नो ये बॉम्ब मतलब कृष्ण है. सिर्फ ऐसा है कि दिस इज नॉट अ प्लीजिंग यू नो प्लीजिंग फॉर्म ऑफ कृष्ण. ये अच्छा लगने वाला स्वरूप नहीं, लेकिन कृष्ण है, कृष्ण आ रहे हैं और मैं अपने गोपाल के लिए पूरी बना रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं उनको पूरी ऑफर करूंगा. प्रभुपाद उस समय अपने डीटी के लिए पूरी बना रहे थे उनके यू नो जहाँ भी रह रहे थे, तो पूरी बना रहे, बोले कि कृष्ण बॉम्ब के रूप में आ रहे हैं, मैं उन्हें पूरी खिलाऊंगा. इतना फियरलेसनेस और इतना एक्सेप्टेंस तभी आता है जब हमें विश्वास हो कि वो जो आ रहा है सामने से वो वही है जिसको मैंने जीवन काल तक ढूंढा है. राइट तो कभी हो सकता है कि आपको इस तरह से अनप्लीजेंट स्वरूप में आए, कभी प्लीजेंट स्वरूप में आए यू नो, लेकिन मैक्सिमम टाइम अनप्लीजेंट वे में आएंगे वो. लेकिन जिसने उनसे प्रेम करना सीख लिया उनके लिए अनप्लीजेंट नहीं है वो, यू नो. भगवान भगवान है, चाहे किसी भी रूप में आए, वो अगर देख पाए भगवान को उस रूप में तो उसको कोई भय नहीं लगेगा. राइट इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, किसी को चाहे कितना ही शारीरिक कष्ट क्यों ना होता हो तब भी कोई मरना नहीं चाहता. आज की तथाकथित ज्ञान की वैज्ञानिक प्रगति के समय में भी न तो बुढ़ापे का कोई उपचार है न मृत्यु का. वृद्धावस्था क्रूर काल द्वारा दी गई मृत्यु के आगमन की सूचना है और कोई भी शाश्वत काल के बुलावे के ये परम निर्णय को स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता. राइट इसको काउंटर नहीं कर सकते आप, किसी भी मीन से काउंटर नहीं कर सकते. इवन लोग सोचते थे कि कभी कभी आइंस्टाइन जब शरीर छोड़ दिए तो बोलते थे आइंस्टाइन का आई थिंक अभी तक प्रिजर्व करके रखा है. राइट सृष्टिपति प्रभु उनके ब्रेन को ये सोचकर कि दूसरा आइंस्टाइन पैदा करेंगे हम इससे, लेकिन नहीं कर पाओगे. राइट दूसरा आइंस्टाइन नहीं पैदा कर पाओगे. हाँ दूसरा कोई जीवात्मा बन सकता है, लेकिन उस शरीर में जो उनको लगता है कि ब्रेन के अंदर सारी मेमोरी स्टोर रहती है. इतना अज्ञान है लोगों का, यू नो. अगर ब्रेन के अंदर मेमोरी स्टोर रही होती तो हर 7 साल में हमारे ब्रेन के सेल्स चेंज होते, मालूम है क्या आपको? एज पर साइंटिफिक थ्योरी विमल मधुमन माता जी को मालूम रहेगा, बराबर ना माता जी? वो तो है ही है, और प्लस हर क्षण हमारे सेल्स चेंज होते रहते हैं, मतलब समय के साथ साथ. तो अगर ब्रेन में अगर हमारी मेमोरी स्टोर रही होती तो सेल्स तो चेंज हो रहे हैं हर 7 साल में, तो फिर भी मेमोरी हमारी बनी रहती है. इसका मतलब क्या है कि मेमोरी ब्रेन में नहीं स्टोर रहती, मेमोरी आत्मा के पास रहती है संस्कार के रूप में, सूक्ष्म रूप से मन के माध्यम से. राइट लेकिन वैज्ञानिक ये चीज जानते ही नहीं, वो प्रयास करते हैं कि हम बनाएंगे नया साइंटिस्ट, लेकिन हुआ ही नहीं. यह सब धृतराष्ट्र को बताया जा रहा है क्योंकि हो सकता है कि विदुर से इस आसन्न भयावह स्थिति से निपटने के लिए कोई उपचार ढूंढ निकालने के लिए कहें, जैसे मैंने अभी शुरुआत में कहा. लेकिन प्रभुपाद कहते हैं किंतु आज्ञा देने के पूर्व विदुर ने धृतराष्ट्र को सूचित किया कि इस जगत में किसी के पास या किसी साधन से कोई उपचार प्राप्त नहीं हो सकता. और प्रभुपाद मतलब विदुर जी इतने ब्रिलियंट है, इतने इससे प्रीचिंग सीखी आप विदुर जी से, इतना भयानक प्रवचन करें लेकिन फिर भी क्या करें, प्रभो ओ मेरे प्रभु, कैसे करें, प्रभु जी, ऐसा नहीं बोले हे धृतराष्ट्र, हे बुड्ढे, ऐसा नहीं बोले. राइट कुछ भी गाली गलौज कर सकते थे ना, अभी करेंगे आगे, लेकिन देखिए सिस्टम कैसे, किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं उसको. क्या कह रहे हैं, पहले राजन कहा, फिर क्या कह रहे हैं, प्रभु. प्रभु कहकर उनको रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, एट द सेम टाइम उस मैसेज को भी कन्वे कर रहे हैं जो इनविटेबल है. राइट आपको प्रभुपाद फिर सेकंड पैराग्राफ में हिरण्यकश्यप का उदाहरण दे रहे हैं कि वो भी अमर होना चाहता था आपके जैसा, उसने प्रयास किया, उसने कहा कि जमीन में मेरी कब्र मत खोदना, आकाश में मत खोदना, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर नहीं, यू नो, हवा में नहीं, पानी में नहीं, किसी अस्त्र शस्त्र किसी से भी नहीं. तो उस उदाहरण से वो प्रभुपाद का एक लेक्चर, उसमें प्रभुपाद कहते हैं कि जीवात्मा जितना इंटेलिजेंट होता है भगवान उससे कई हजार गुना इंटेलिजेंट रहते हैं, हम भगवान के इंटेलिजेंस को मैच नहीं कर सकते. तो उसने अपना सोचा कि मैं अमर हो गया, अभी मैं ऐसे नहीं वैसे नहीं वैसे नहीं वैसे वैसे, आज अनेक तरीके निकाले लाइफ इंश्योरेंस के, आपने भी किया होगा ना लाइफ इंश्योरेंस. राइट वो बोलते हैं जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, मतलब क्या होता है आपके जाने के बाद, मतलब आपके डिपेंडेंट को बीमा मिलता है. राइट ऐसा अच्छा, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, जीवन आनंद करके. मैं था LIC एजेंट. सिर्फ एक पॉलिसी बनाया मेरे सिस्टर का. उसके बाद मैं समझ गया कि मैं इस प्रकार का LIC एजेंट हूँ कि केवल एक ही पॉलिसी बना सकता हूँ, वो भी अपने घर के लोगों का, छोड़ दिया बाद में. कॉलेज टाइम में कर रहा था थोड़ा सा.
यू नो, तो हिरण्यकश्यप को फिर भगवान ने मारा अपने इस पर रखकर। अभी आएंगे नरसिंहदेव, राइट, हम सबको खत्म करने के लिए, अगर हम उनकी बात नहीं सुनेंगे तो। अगर हम हिरण्यकश्यप जैसे बने रहे तो हमारा भी खात्मा करने के लिए रेडी है वो, राइट। एंड देन ऑफ कोर्स एंड देन आगे विदुर जी कहते हैं 20वें श्लोक में, चित्रलक्ष्मी माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 20। हरे कृष्णा दंडवतनम एन चय अभिपन्नो अयम प्राणय प्रिय तमय अपि जन सद्य विचेत किमा उता अन्य धन आदि भी या सर्व परिकाराने ज्याला म्हणून प्रभावित केले स्वाधीन करून घेतले त्याला आपले सर्वात प्रिय असे जीवित सुद्धा गमवावे लागते। मग धन द्रव्य मान सन्मान मुले बाळे गृह भूमी यांसारख्या इतर वस्तूंविषयी काय सांगावे। हरे हरे कृष्ण। विदुर जी कहते हैं कि शाश्वत काल के प्रभाव में हमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है, यू नो, अपने सबसे प्रिय जीवन, बाकी तो चीजें छोड़ी दो। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है हमको कि अरे भैया भगवान इतने क्रूर क्यों है। कोई ऐसा बोलता है ना, कृतदिति बोलती है भागवत के छठे स्कंद में, चित्रकेतु महाराज का जब पुत्र का ना मृत्यु हो जाता है तो कृतदिति बोलती है कि कैसा विधाता है, इसको इतना भी अकल नहीं है कि है ना अपने पिता के प्रेजेंस में अपने पुत्र का मृत्यु करवा दिया, ऐसा कैसा। पहले पिता का मृत्यु होना चाहिए फिर पिता का ना पुत्र का होना चाहिए क्रम काल में, राइट। लेकिन समय आएगा तो फिर कोई क्रम काल नहीं देखा जाता, उसका क्रम काल का हिसाब पहले यमराज ने लिख के रखा हुआ है, वो हमें नहीं मालूम होता है। चित्रगुप्त लिखते रहते हैं हर घड़ी हर क्षण हमारा सब कुछ हिसाब किताब, हमें लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। अभी हम कितना अच्छा किए हमको उस समय मालूम पड़ेगा जब पेपर सामने आएगा, क्वेश्चन पेपर, राइट। तो अभी कभी कभी कुछ लोग ऐसे हैं जो व्यंग करते हैं कि भगवान इतने क्रूर क्यों है, राइट, कि भगवान इस तरह से हमसे सब कुछ क्यों छीन के लेके जाते हैं। अगर आपने किसी ना कुछ मेहनत से कुछ बनाया होगा, बहुत बड़ी मेहनत से, अब रामभद्र जी को बताइए, आप दुकान चला रहे हैं ना, वहां पे कितना कष्ट होता है दुकान मेंटेन करने के लिए, होता है कि नहीं होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ कष्ट होता है ना दुकान मेंटेन। नहीं नहीं प्रभु जी, खाली दुकान में नहीं, जहां पर भी रहेंगे वहां पर भी। मैं जब ऑफिस में था तभी भी उतना ही मैं थकता था जितना दुकान थकता हूँ, बस। तो सब जगह पर सेम प्रॉब्लम रहता है, यानी प्रॉब्लम तो है इस संसार में, करेक्ट। काशीनाथ प्रभु आप क्या कहना चाहते हैं? अर्जुनर को तो इतना ना तो दिक्कत होती है कि मैं तो भगवान को जपता रहता हूँ, जितने भी कस्टमर आते हैं ना सभी को हरे कृष्ण बोलता रहता हूँ, बार बार बुलाता रहता हूँ, बस कोई दिक्कत नहीं आती, याद करता रहता हूँ हमेशा। यस, अभी आपने तरीका सीख लिया है अपने दुकान को स्पिरिचुअलाइज करने का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संत तुकाराम महाराज जैसे थे, यू नो, कुछ भी सेवा करते थे लोगों से, लोगों की, तो हर सेवा में हरिनाम उनके मुख से निकलता था, प्रसाद लेते थे हरिनाम निकलता था। एक बार संत तुकाराम महाराज को एक बूढ़ी औरत ने बोला कि थोड़ा मेरे लिए तेल लेके आ जाओ दुकान से। संत तुकाराम महाराज थे, किसी का भी सेवा करते थे, जाके थोड़ा तेल लेके आ गए, और वो जो औरत ने तेल लेके घर पे गई थी वो कई दिन तो खत्म ही नहीं हुआ तेल, कितना भी यूज करते थे खत्म नहीं हुआ। पूरे गांव में खबर फैल गई कि तुकाराम महाराज अगर कोई डब्बे में तेल लगा देंगे आपको तो खत्म ही नहीं होता है। सब लोगों ने लाइन लगा दी तुकाराम महाराज के पास, हमारे लिए तेल लेके आओ, हमारे लिए तेल लेके आओ। बहुत सारे डब्बे लेके गए दुकान वाले के पास, और लाइन से लग के ना डब्बे भरते थे दुकान वाले। तुकाराम महाराज अपना भजन करते रहते थे अपने घर के लिए, लेकिन कभी तेल नहीं लाया उन्होंने। तो उनकी पत्नी बोलती थी सारे संसार के लिए तेल भर रहे लेकिन अपने घर में तेल नहीं है। हा? और तेल से उनके पूरे कपड़े भर गए थे, तेल तेल हो गया था, ऐसी कथा है उनके बायोग्राफी में। लेकिन हर कहीं जाते थे, कहीं भी कुछ काम करते थे, अपना हरिनाम लेते रहते थे, और वही उसका पोटेंसी था, राइट। आपने सीख लिया हरिनाम, कस्टमर को भी हरिनाम दीजिए, अपने आप को भी दीजिए, सबको दीजिए, इससे स्पिरिचुअलाइज हो जाएंगे हम, राइट। लेकिन आपने जो बनाया हुआ है, ठीक है, आप तो अभी आध्यात्मिक हो गए हैं, लेकिन कई बार लोग इतनी मेहनत से सब कुछ बनाते हैं इस संसार में, और जो क्रूर काल है वो क्या कर देता है,
एक क्षण के अंदर सब कुछ छीन के लेके जाता है। कभी कभी लोग हैं ऐसे बोलते हैं कि भगवान ऐसे क्यों करते हैं, भगवान इतने क्रूर क्यों हैं। तो भगवान क्रूर नहीं है, हमें ये समझना होगा ठीक ठीक से, क्योंकि ये जो भौतिक जगत है ये क्या है, हमारे लिए एक एरेना है, एक फील्ड है। इस फील्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं अभ्यास, किसका, सुख पाने का। ये जो जो भी कोई आप करते हैं, ये कोई प्रोफेशन कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, ये सब सुख पाने के लिए प्रयास है। लेकिन इस जगत में हमें शाश्वत सुख नहीं मिल सकता, राइट। हमको इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाना पड़ेगा जहां शाश्वत सुख है। इसीलिए श्रीमद् भागवत और पूरा जो वैदिक ग्रंथ हमें यह संदेश देता है कि हमारे लिए सुख पाने का यह जगह है नहीं बेटा। तो अभी भगवान अगर हमको समझाने आए और हम अगर हम समझे तो अच्छी बात है, जैसे गीता में उपदेश देते हैं, भागवत में देते हैं। नहीं समझे तो फिर दूसरा तरीका है, मारपीट करके। पुलिस क्या करती है, जो लोग शब्दों से नहीं समझते उनको डंडों से पीटते हैं, राइट। जैसे आपने देखा होगा यू नो कि अगर समझो बच्चे पेरेंट्स से ना, पेरेंट्स बच्चों के हाथ से कोई अगर खिलौना छीनते, बेटा अभी खेलो मत, बस हो गया, अभी खेलने का नहीं, तो ये उनके ऊपर क्रूरता है या फिर दया है। उनको बोलते हैं जाओ, दया है, राइट। उनको बोलते हैं जाओ पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। क्यों बोलते हैं पढ़ाई करो, अभी अगर खेलते रहोगे खिलौने के साथ तो आगे जाकर तुम्हारा भविष्य क्या होगा, अच्छा नहीं बनेगा, यू नो, तुम्हारी ठीक से करियर नहीं बनेगी, अच्छी नौकरी नहीं होगी तो अच्छा घर परिवार नहीं होगा और इस तरह संसार में दुखी रहोगे, राइट। उसी प्रकार भगवान जब हमें हमसे कुछ छीनते हैं, यू नो, इसलिए नहीं कि हमको कष्ट कष्ट देना चाहते हैं, इसलिए ताकि हमको कुछ अच्छा देना चाहते हैं, है ना। आपने वो एक इमेज देखा, एक फोटो था, एक कई दिन पहले आया था, मैंने पोस्टिंग भी किया था, उसमें एक छोटी सी लड़की थी, वो एक छोटा सा डॉल यू नो हाथ में लेकर घूम रही थी और कृष्ण उसको बोले थे बेटा वो डॉल मुझे दे दो। तो वो लड़की बोली थी क्यों, भगवान बोले थे मैं बड़ा दूंगा आपको बड़ा डॉल, लेकिन भगवान ने सामने नहीं दिखाया था, अपने पीछे रखा था। बड़ा सा डॉल उसके हाथ में, इतना छोटू सा डॉल था, भगवान बोले थे दो मेरे को, ये दे दो, मैं आपको इससे बेहतर दूंगा। लेकिन दिखेगा कैसे आपको जो भगवान ने रखा है ना बड़ा डॉल आपको देने के लिए, वो तभी दिखेगा जब आपको भगवान से प्रेम होगा, राइट। जब हम अपने नेत्रों को विकसित करेंगे उस चीज को देखने के लिए, अदरवाइज इस संसार के कष्ट हमारे लिए क्या है, केवल और एक बहाना है अपने आप को और भौतिकवादी बनाने के लिए। अच्छा भगवान ने ऐसा मुझसे छीन लिया, मैं और कल से यू नो गलत काम करूंगा, और मैं यू नो दुष्ट बन जाऊंगा, और मैं पापी बन जाऊंगा, राइट। लेकिन जिसको समझ है वो समझता है, तत्ते अनुकंपाम से सुमुक्षमाना, राइट। भागवत में दशम स्कंद में ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जो कष्ट आते हैं उन्हें सहन करो अपने पूर्व कर्मों का लेखा जोखा समझ कर। और इस समय अभी आपके पास ऑप्शन है, या तो आप उसके लिए रोते रहो या फिर भगवान को देखकर रो, यू नो महामंत्र बोलकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर आप भगवान को देखकर, भगवान की तरफ देखकर पुकारोगे, उनको रोगे, तो वो आपके लिए एक सनातन काल का दरवाजा खोल देगा। और अगर इस संसार की चीजें के लिए रोते रहोगे तो फिर ये संसार की चीजों से क्या होगा, आपको हो सकता है अभी मिलेगा, भगवान वापस दे भी सकते हैं, लेकिन जितना देंगे उतना हमारे लिए क्या है, बंधन बनते जाएगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे जितना भी ये वर्णन कर रहे हैं और यहाँ इस 20वें श्लोक में जो बोल रहे हैं कि जो काल के प्रभाव में है यू नो, जो भी व्यक्ति, उन्हें अपना जीवन क्या यू नो बाकी चीज़ें क्या, अपना जीवन भी छोड़ना पड़ता है, राइट। अब इसमें से जो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, प्रभुपाद यहाँ पे प्रपट में लिखते हैं कि एक महान भारतीय वैज्ञानिक जो आयोजन करने में कार्य में व्यस्त रहता था, जब योजना आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने जा रहा था तो सहसा उसे अजय काल का बुलावा आ गया और उसे अपना जीवन, पत्नी, बच्चे, घर, भूमि, धन इत्यादि सब कुछ त्यागना पड़ा, राइट। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि क्योंकि प्रभुपाद ने वो टाइम देखा है, हिंदू मुस्लिम राइट्स और इंडिया यू नो और पाकिस्तान का पार्टीशन एंड ऑल दैट, प्रभुपाद कहते हैं भारत में राजनीतिक उथल पुथल तथा पाकिस्तान एवं हिंदुस्तान में इसके विभाजन के समय अनेक धनी तथा प्रभावशाली भारतीयों को काल के वश में आकर अपना जीवन, संपत्ति तथा सम्मान सभी कुछ समर्पित कर देना पड़ा। आपको और मुझे मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जाइए यूक्रेन में, अभी यूक्रेन रशिया में जो हुआ, कितने लोग
कैसे कहाँ विस्थापित हो गए, कहाँ गए? हम तो आज हमारे एक छोटे से दुकान के लिए, छोटे से कष्ट के लिए रोते हैं कि मलेरिया हो गया, सर्दी हो गई, खांसी हो गया, ये हो गया, पड़ोसी ने ऐसा बोला। सोचिए जिसका घर उसको पूरा ट्रांसफर करना पड़ा एक देश से दूसरे देश में, मतलब जानते हैं आप, उसका जमीन जायदाद, उसके सारे कपड़े सब कुछ उधर ही छोड़ छोड़ जाना पड़ा, साथ में केवल आपकी सांस, केवल प्राण। अब सब कुछ नया बनाओ, राइट? और वो भी अंत में लेके जाएंगे भगवान, अगर आप टाइम रहते सरेंडर नहीं करेंगे उनको। तो सारे विश्व में, सारे ब्रह्मांड में इस तरह के सैकड़ों हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं जो सारे काल के प्रभाव के कारण है। अतः निष्कर्ष यह निकला कि ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी शक्तिशाली जीव नहीं है जो काल के प्रभाव को जीत सके। अनेक कवियों ने काल के प्रभाव के विषय में विलाप करते हुए कविताएं लिखी हैं, लेकिन क्या करोगे है ना, कितना भी विलाप करोगे कुछ काम पे नहीं आएगा जब तक आप उस विलाप में महामंत्र नहीं जोड़ोगे अंत में। भजन तो हमारे आचार्यों ने भी लिखे है ना, सारे सॉन्ग आचार्यों ने भी लिखे हैं, भक्तिविनोद ठाकुर जी लिखे हैं, मैं कितना यू नो कामी हूँ, मैं कितना क्रोधी हूँ, मैं संसार में मेरा ये लुट गया, मैं ये हो गया, लेकिन अंत में बोले कि हे प्रभु आप मुझे बुला लो आपके पास। ये सारे गीत भी वैसे ही है, यू नो मेरा जीवन इस प्रकार दुखी है, कष्टी है, लेकिन अंत में क्या बोलते हैं कि प्रभु आप हमें उबार सकते हो, राइट? काल के प्रभाव से ब्रह्मांड में अनेक विनाश की घटनाएं होती रहती हैं और कोई भी उन्हें किसी साधन से रोक नहीं पाया। प्रॉपर लिखते, यहाँ तक कि हमारे हर रोज के जीवन में ऐसी अनेक बातें घटती रहती है जिनमें हमारा वश नहीं चलता और उन्हें हमें सहना पड़ता है। क्या सहना पड़ा आज आपको, महामूर्ति माता जी बताइए आज के दिन का क्या सहन किया आपने? बिल्कुल डरिए मत, वृंदावन में है, क्या सहा आपने आज? तब तक विमल मध्य मध्य माता जी बताइए आप, आपने क्या सहा आज? तो मुझे तो मॉर्निंग से खाना पड़ता है सब कुछ जीवन ही सहनशीलता का मूर्ति बना हुआ है। हाँ जी, यस। सखी परंतु आपने क्या सहन किया आज? जी प्रभु, हरे कृष्ण वृंदा। प्रभु विदुर जो है वो धृतराष्ट्र को जो है बता रहे हैं, तो उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि कैसे वो इसको छोड़ दें। तो पहले जब मैं थोड़ा लेट आया था, जब आया तो वही शुरू हुआ था कि वो विदुर को कह रहे कि आप जो है शीघ्र यहाँ से बाहर निकल और सहन कीजिए, राइट? तो और उनको राजन कह के पहले सम कर रहे थे, दूसरी बार फिर प्रभु कह के संबोधित किया उनको। तो आज आपको किसने प्रभु कह के संबोधित किया? आपको किसने आज राजन बोला कि नहीं? राजन बोला, प्रभु बोला, किसने बोला कि नहीं बोला? बता रहे कि किस तरह हमारा ये सब है, एक दिन छोड़ना पड़ेगा पिता का, भाई बहन, और जो अपने पुत्र को भक्त नहीं बना सकते वो पिता या माता कहलाने के लायक नहीं। आपने तो पूरा क्लास समराइज कर दिया यार, लगता है आपने मुझे काफी सहन किया मुझे भी सहन करना पड़ता है, मतलब आपको भी सहन करना पड़ता होगा ना मुझे क्योंकि ये ऐसी चीजें जो आपने इसको में सुनते आ रहे कई सालों से। किसका आवाज आ रहा है, कहाँ से आवाज आ रहा है? मेरा ही होगा प्रभु। ठीक है ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम सबको सहन करना पड़ता है, राइट? बताइएगा नहीं, कोई बात नहीं, आपके अपने अपने दुख दर्द रखिए भगवान के चरणों में। प्रभुपाद ने अंतिम में लिखते हैं फिर, उनका कोई निवारक उपाय नहीं होता, यही काल का परिणाम है। काल के प्रभाव में हमें सब कुछ टॉलरेट करना पड़ता है, राइट? यू कांट काउंटर, राइट? तो ऑफ कोर्स ठीक है, हम इसको फिर आगे देखेंगे, इन्हीं श्लोकों को आगे बढ़ाएंगे कल और ट्राई करेंगे इनके इंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आपको थोड़ा सहन करना पड़ा होगा, मैंने प्रश्न नहीं दिए अभी तक यस बोलिए काशीनाथ। जैसे आपने बताया था कि ये भगवान ने मतलब बुलिया है और इतना बड़ी देना चाहते हैं, ठीक है, और क्रूर काल से एक बार में ही मतलब बहुत कुछ हो जाता है, ये बात ठीक है। जैसे एग्जांपल, लाइव एग्जांपल लेता हूँ मैं, यहाँ पे बच्ची हूँ, माता जी की बैठी हूँ, मधुमती माता जी का एग्जाम्पल, तो इनकी बेटी ने तीन चार बार एग्जाम दे दिया
तो मतलब उनका हर बार एग्जाम रहेगा, तो इस चीज को हम कैसे समझते हैं, उनके लिए क्या अच्छा कर रखा भगवान ने आपके, और जिसमें वो हर बार एग्जाम पास नहीं कर पाए एमडी का? हाँ एमडी के लिए अभी मतलब एंटर, अच्छा एमडी के लिए क्लियर नहीं कर पाई हो, राइट? ओके, तो आप बोल रहे हैं कि इसको कैसे समझे हम। तो हमारे भी इधर एक भक्त थे उनका एक लड़का था, वो कनाडा जाने का ट्राई कर रहा था, तो बहुत उसने प्रयास किया, हो ही नहीं पा रहा था, तो मैंने फिर उनको एक एस्ट्रोलॉजर का नंबर दिया मैंने बोला प्रभु आप प्रतिकार कर सकते हो, ट्राई करो, यू नो काल का प्रभाव तो है, ट्राई करके देखो। तो उन्होंने कुछ, वो हमारे डिवोटी एस्ट्रोलॉजर है यहाँ पे वासुदेव कृपा प्रभु करके, उन्होंने कुछ नरसिंह मंत्र दिए उनको भगवान के, बोले आपके चार्ट में ऐसा ऐसा यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है, तो उन्होंने किया तो क्लियर हो गया उनका। फिर वो प्रभु जी मेरे पास आए दूसरे, जिनका लड़का था भक्त चस्ती वाले, बोले अरे प्रभु प्रतिकार हो गया। मैं बोला प्रभु ये शुरुआत है प्रतिकार की, आपको क्या लगता है कनाडा जाने के बाद क्या वो सब कुछ प्रतिकार कर पाएगा? देखिए जिंदगी में ये एक स्टेज है प्रतिकार करने का, राइट? आपने क्लियर किया तो अच्छा है, नहीं किया दैट डजंट मीन, अगर हो गया दैट डजंट मीन कि आप फिर आगे क्लियर हो गए जिंदगी में। इट्स अ श्रृंखला, एक सीरीज है। तो आपको, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, गोलमाल घुमाया आपको स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टेप है जो क्लियर करना है। यस, तो मेरे बताने का तात्पर्य था कि आप पहले ये चीज माइंड में फिक्स कर लो, अगर अभी क्लियर हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब जिंदगी में क्लियर हो गए। इट्स अ सीरीज एंड श्रृंखला ऑफ सो मेनी रिवर्सल्स वेटिंग अहेड यू, एक चीज है। अब रही ये बात की आपके क्वेश्चन की, इसके दो एस्पेक्ट होते हैं, स्पिरिचुअल एंड मटेरियल। तो मैंने मटेरियल एस्पेक्ट का आंसर दे दिया आपको कि कभी कभी आपके चार्ट में कहीं अगर प्रॉब्लम है एस्ट्रोलॉजिकली, उसको रिजॉल्व करने का प्रयास कीजिए एस्ट्रोलॉजर को मिलके, वैदिक साइंस है वो हमारे हेल्प में आता है, दिस इज वन पार्ट, इससे ट्राई कीजिए, होगा तो होगा अच्छी बात है, नहीं होगा तो इसका स्पिरिचुअल पार्ट आपको पता ही है, बहुत सारी चीजें हमारे इच्छा के हिसाब से नहीं होती हर बार, तो हम इसका मतलब नहीं कि जिंदगी में रुक जाते हैं, नहीं तो दूसरा कोई तरीका ढूंढ लीजिए, नॉट नेसेसरीली कि एमडी ही करना है, फिर दूसरा एक ऑप्शन ढूंढिए, उसको ट्रेस आउट कीजिए, राइट? बट एक चीज सीखिए कि जैसे माता जी ने कहा कि बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है, वी ट्राई बट अल्टीमेटली डिसीजन देने वाले वो होते हैं, और अगर दूसरा उसका बीच का रास्ता मेडिएशन है कि आप दिखा सकते हैं एस्ट्रोलॉजर को, आपको चाहो तो मैं नंबर देता हूँ, मैंने विमल मति महाराज जी को नंबर दिया था, वो बात हो गई थी, वो सब कुछ हो चुका। यस, तो वो तरीके से मतलब जितना ट्राई किया अभी हमारे वैदिक स्टैंड पॉइंट के हिसाब से हमारा उतना ही लिमिट था प्रयास करने का, उसके आगे जय श्री राधे, जय नरसिंह देव। ठीक है ना काशीनाथ प्रभु, कहीं ना कहीं प्रभु जी, एक्चुअली प्रभु जी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेटी की तरफ से कमी रही है, नाउ शी रियलाइज एंड तो हम लोग कल आई थिंक श्लोक नंबर 19 तक रुके थे, राइट? करेक्ट, 20 श्लोक था। जो भी सर्वोपरि काल शाश्वत समय के प्रभाव में है उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है, राइट? अन्य वस्तु यथा धन सम्मान संतान भूमि तथा घर का तो कुछ कहना ही नहीं। तो ये प्रसंग धृतराष्ट्र के, धृतराष्ट्र को रॉयल ऑपुलेंस से अनासक्त करने के लिए श्रीमद् भागवत में आ रहा है। विदुर जी जैसे तीर्थाटन में आपने देखा है उनको कि मैत्रेय मुनि से उन्होंने भागवत का संदेश प्राप्त किया था, राइट? अभी मैं एक मीटिंग में था मैरिज का मीटिंग मेरे सिस्टर का,
तो ऑफ कोर्स इसलिए थोड़ा देर हो गया, इसलिए समझ आता हूँ। तो मीटिंग में आते आते लास्ट में यही पॉइंट चल रहा था, तो जिससे बात कर रहा था प्रभु जी बोले थे कि आपके हम लेक्चर सुनते हैं। मैंने कहा आप सिर्फ लेक्चर सुनते हो, लेक्चर को एक्सपीरियंस करने का मौका हमें मिलता है लेक्चर के बाद डेढ़ घंटा मीटिंग चला। मैं बोला कि आप ये मत सोचो कि लेक्चर देने के बाद काम खत्म हो जाता है, लेक्चर देने के बाद है ना उसको एक्सपीरियंस करने का भगवान बहुत मौका देते हैं। तो बहुत कुछ चल रहा था, कुछ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन जैसा टाइप तो विदुर जी यहाँ पे एक्चुअली पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, जिसने भी भगवत कथा सुना है उसको कभी ना कभी जिंदगी में मौका मिलता ही है, या फिर जिसने सुनाया है उसको एक्सपीरियंस करने का। तो विदुर जी ने जो भी सुना था मैत्रेय ऋषि से, यू नो इस संसार की टेम्प्ररीनेस और इस संसार का अशाश्वत जो स्थान है, और ऑफकोर्स विदुर जी स्वयं यमराज है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो उन जो भक्ति और ज्ञान वगैरह के जो भी उन्होंने सीखा था और समझा था उसको अभी अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को दे रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि आपने सुना होगा कभी पहले, एक छोटा सा एक यू नो फ्रेज है, स्टोरी है, कुछ तो है ऐसा, जिसमें यू नो जो व्यक्ति का अंत होता है, मतलब देहांत आता है अंतिम समय, तो जीवन के अंत के पहले तो उसके बहुत सारे मित्र रहते हैं, राइट, लेकिन उसमें स्पेशली तीन मित्र बताए गए हैं। तो जब इंसान उस समय में आता है कि अभी उसको अपना शरीर छोड़ना है, जैसे श्लोक में कहा गया है कि सब कुछ छोड़ना पड़ता है, राइट, तो व्यक्ति जो मरणासन्न है वो बोलता है कि अभी मेरे साथ कौन कौन आने वाला है। तो उसमें से एक पहला व्यक्ति बोलता है कि मैं तो आपके साथ कंटिन्यूसली था, आपके साथ हमेशा रहता था, लेकिन मैं अभी इस समय आपकी कुछ भी मदद नहीं कर पाऊंगा, राइट, वो होता है हमारा धन। अभी हर किसी के पॉकेट में हाथ डालेंगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा आजकल पॉकेट नहीं होता है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट रहते हैं, आपका जो मोबाइल है वही आपका बैंक है, राइट। धन हमारे साथ कंटिन्यूसली रहता है पूरे जीवन काल तक, लेकिन अंत में वो बोलता है अभी मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, प्लीज आपको यहीं पे छोड़ के जाना होगा इसको। ये पहला हमारा साथी होता है। उसके बाद कहते हैं कि दूसरा एक साथी रहता है, उससे पूछता है आदमी कि भाई तुम मेरा साथ दोगे ना, वो बोलता है मैंने भी आपका पूरे जीवन काल तक साथ दिया है, लेकिन मैं आपको केवल स्मशान भूमि तक ही आ सकता हूँ, एंड देन आई विल मेक श्योर कि आपको मैं अच्छी तरह जला लूँ आपका जो शरीर है उसको मैं अच्छी तरह जला के उसका संस्कार कर दूँ। वो होते हैं हमारे परिवार के लोग। मैक्सिमम कहाँ तक आ सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, क्रिमेटोरियम, राइट, शमशान घाट, शमशान घाट काफी यू नो रेजोनेटिंग लगा शमशान घाट। तो हमारे जितने भी मित्र हैं, करीबी हैं, परिवार वाले लोग हैं, वो कहां तक आ पाएंगे, शमशान घाट तक ही आ पाएंगे, उससे ज्यादा आगे, वो बोलते हैं हम मजबूर है, इसके आगे हम नहीं आ सकते, एंड देन वी विल मेक श्योर कि आपका बॉडी जलेगा है ना, हम पूरा अच्छी तरह से सब प्रबंध करेंगे कि आपको ठीक से जलाया जा सके, राइट। तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, पॉजिटिव इन द सेंस कि संस्कार करना जरूरी है शरीर के, नहीं तो आत्मा भटकते रहता है, सूक्ष्म शरीर है। सर्व मंगल जनार्दन प्रभु बोलिए, अच्छा कौन सा सेक्शन चल रहा है, बोल रहे अध्याय नंबर 13 श्लोक संख्या 20। ठीक है, शमशान घाट में थोड़ा देर से ज्वाइन हो गए आप ओके कोई बात नहीं, राइट। और कुछ लोग ऐसा रहते हैं नेगेटिव, वो बोलते हैं कि आप जला देंगे आपको, उसके बाद सारा प्रॉपर्टी हमारा, सारा पैसा हमारा, ऐसे भी लोग रहते हैं, बोथ पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। और फिर अंत, फिर तीसरा एक व्यक्ति खड़ा रहता है, तीसरा साथी उसकी तरफ देखता है, वो बोलते भैया तू मेरे साथ आएगा कि नहीं आएगा, बोलते हाँ मैं तो तुम्हारे साथ पक्का आऊंगा, मैं आपको कभी छोड़ ही नहीं सकता। और वो होता है हमारा कर्म, हमारा कर्म जो है वो हमारे साथ साथ चलता है जीवन के, क्या है वो, कौन सा है आपका LIC का जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, यू नो है ना, क्या है वो, भारतीय जीवन बीमा निगम। तो एक ही चीज है जो हमारे साथ में रहती है, पहले जो हमारा पूर्व जन्म का कर्म था वो भी हमारे साथ आया यहाँ पे,
अच्छा जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी काशीनाथ प्रभु जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी चल रहे हैं गाड़ी में हरे कृष्णा ओके ओके तो इस तरह से धृतराष्ट्र को ये चीज समझाने के लिए आए हैं यहाँ पे विदुर जी के, देखो भैया तुम्हारा सारा धन खत्म हो गया, सारे तुम्हारे परिवार के लोग कुछ मर गए कुछ जिंदा है, लेकिन जब तुम्हारा टाइम आएगा तो तुम्हारे साथ कोई आने वाला नहीं है। अभी तुम्हें तुम्हारा कर्म जो है वो तुम्हारे साथ आने वाला है, अभी उस कर्म को अच्छा बनाना या बुरा बनाना तुम्हारे हाथ में, उसको सुधारो, टाइम रहते उसको अच्छा बनाओ, क्योंकि जब अच्छा कर्म रहेगा तो आपको अच्छा जिंदगी मिलेगा, बुरा कर्म रहेगा बुरा जीवन मिलेगा, राइट। और एकदम अच्छे बुरे से आगे दिव्य अगर आपने कर्म बनाया आध्यात्मिक तो आपको भगवत धाम मिलेगा। तो ये समझाने के लिए यहाँ पे विदुर जी आए हैं और इसलिए कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ना पड़ेगा प्रभु आपको, ये घर दार तो इसको छोड़ ही दीजिए है ना, लेकिन आपका जो जीवन है वो भी आपको यहाँ पे छोड़ना चाहिए, आपका जो कैपेसिटी है लाइफ जीने का उसको भी आपको त्यागना पड़ेगा, राइट। बाकी तो घर दार जो प्रपट प्रपद हम पढ़ा था पढ़े थे कल कि उसका तो कहना ही क्या, राइट। एंड देन उसको आगे बढ़ाते हुए फिर कहते हैं श्लोक नंबर 21 में, विमल मतु माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 21। पितृ भ्रात सुहित पुत्रा हताते विकृतं वयम् आत्मा च च जरिया ग्रस्त पर देहम् उपाससे। आपके पिता भाई शुभ चिंतक तथा पुत्र सभी मर चुके हैं और दूर चले गए हैं, आपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर लिया है, अब आपके शरीर को बुढ़ापे ने आग दबोचा है और आप प्राय घर में पड़े हुए हैं। यस, बहुत सुंदर श्लोक है यहाँ पे आने दूसरा वाला यहाँ पे कैसा लिख रहे हैं देखिए यहाँ पे, अभी किसी को ऐसा कहना मतलब कितना बुरा लगता होगा ना आप अगर किसी को बोलेंगे अरे भैया तेरे भाई दादा काका मामा सब मर गए तू कब मरेगा, मतलब आपको सब मरेगा नहीं बोल रहे हैं जिसको प्रॉपर्टी चाहिए वो ऐसा बोलता है, लेकिन यहाँ पे विदुर जी बोले भैया तू कब छोड़ेगा, ये जो तेरी आस है इस संसार को भोगने की है ना, और कह रहे आपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय समाप्त कर लिया है, अब किस तरह से आपको आपके शरीर ने दबोचा है वो तो अगले श्लोकों में बताएंगे, अब बुढ़ापे ने आपके शरीर को दबोचा है और आपको आप कहाँ पे रह रहे हो, पराए घर में रह रहे हो, आपका खुद का भी घर नहीं है, राइट। एक्चुअली पूरे जीवन काल में आप जब जीवन जीते तो कितना कैपेसिटी हमारे पास काम करने का, नहीं कितना शक्ति रहता है बोलने का चलने का, है कि नहीं, अभी भी शक्ति है सब लोगों के अंदर, लेकिन आपको भी बीमार पड़ते हैं ना, अभी मुझे याद है पिछले कुछ महीने पहले मैं बीमार गिरा था तो इतना मतलब इज्जत निकल जाती है अपनी, तथाकथित जो हम बोलते हैं कि मैं इतना भारी भयंकर कंट्रोलर हूं, मैं बलशाली हूं, मैं इतना भयानक हूं, मैं महान हूं, कितना ह्यूमिलिटिंग लगता है, मतलब अपमानजनक लगता है कि मैं वो व्यक्ति था जब इतना बड़ा बड़ा बात करता था और इतना संसार को इतना कपाता था, जो भी है अपने अपने फील्ड में, कोई अपने प्रवचनों से, कोई अपने कीर्तन से, कोई अपने मैनेजमेंट के पावर से, कोई अपने इन्फ्लुएंस से, जो भी जिसके पास जो कला है, लेकिन जब समय आपसे वो आपकी कैपेसिटी छीन लेता है कितना ह्यूमिलेटिंग लगता है, कितना मतलब जो आदमी एक समय में आपने किसका था ये किस्सा, हाँ माइक टायसन का था, बॉक्सर आपने सुना होगा कभी, ये ब्रजवेरी ब्रो के लेक्चर में हम लोग कई बार बताते हैं कि जो व्यक्ति बड़े बड़े लोगों को परास्त करता था बॉक्सिंग मैच में हराता था, जब उसका टाइम आ गया बूढ़ा हो गया तो उसको एक बार जब किसी तो रैली में गई तो मशाल लेके घूमना था, वो तो मशाल को भी होल्ड नहीं कर पा रहा था, ऐसे ऐसे कांपते कांपते, मतलब सोचिए मतलब कितना इंसान को हम्बल बना देता है बुढ़ापा, कितना नम्र बना देता है, राइट। अब जो समझा वो समझा कि मैं भाई नम्र बना रहा है मेरे को समय, लेकिन धृतराष्ट्र जैसे कुछ लोग रहते हैं जो समझते नहीं है समय आने पर भी कि समय हमको क्या कर रहा है, हमको पूरा इज्जत उतार रहा है हमारी जो व्यक्ति कभी इतने बड़े बड़े लोगों के सामने अपने आप को उस्तादी दिखाता था, आज उसकी औकात क्या है, एक ग्लास पानी पीना है उसको, तो उसको पानी पिलाने के लिए एक असिस्टेंट चाहिए, लो पानी पियो पानी पियो, पेशाब करना है तो नीचे एक यूरिन बैग लगाना पड़ेगा,
दिस इज द डेस्टिनेशन ऑफ दिस बॉडी, ये हमारे शरीर का ये गंतव्य स्थान है। लेकिन होता क्या है ना कि अगर हम कभी कंफर्टेबल फील करने लगे, अब ऐसे कुछ लोग हैं जो ऐसे सिचुएशन में भी अपने आप को क्या करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, मैं कितना कंफर्टेबल हूँ, है ना, भले यूरिन का बैग लगाया है, कोई पानी पिलाने के लिए एसिड, मैं खुश हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ। भ्रम में इस तरह से सोचने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे धृतराष्ट्र जी हैं, और उनको पता नहीं है कि सामने से कितना बड़ा डिजास्टर मेरे सामने आ रहा है, और मेरे साथ जाने वाला जो मेरा साथी है कर्म, उसको मैंने अभी तक सुधारा नहीं है। अभी भी मेरे पास जब तक आखिरी सांस चलती है, आखिरी सांस की एक बूंद चलती है, तब तक आपके पास मौका होता है अपनी चेतना को कृष्ण भावना भाई बना के उस अपने कर्म को सुधारने का अंतिम क्षण तक, राइट। जैसे कि एक सुंदर उदाहरण देते हैं श्रीमद् भागवत के, आपने अगर दशम स्कंद में जाएंगे तो इसका वर्णन है, अपना शरद ऋतु का आपने पढ़ा होगा, सुंदर वर्णन है। वृंदावन में जब वर्षा होती है, वर्षा ऋतु का वर्णन दिया गया है, वर्षा ऋतु के बाद फिर शरद ऋतु का वर्णन आता है। तो वर्षा में क्या होता है कि बहुत अच्छी बारिश होती है, नदियां तालाब पानी से भर जाते हैं, राइट, छोटे छोटे पानी के पोखर, छोटे छोटे पॉन्ड, ये सब भर जाते हैं। लेकिन जैसे वर्षा ऋतु खत्म हो जाती है, आपके बहुत सारे लोग अगर सिटी में ही फ्लैट में ही रहते तो क्षमा करना मुझे, आपको एनालॉजी समझ में नहीं आ रही होगी जो अपने अपने घरों में या मुंबई में रहते हैं या फिर दिल्ली कलकत्ता या फिर आपके मेट्रो में आपके घर में रहते हैं, लेकिन जो लोग गांव में रहे हैं पहले, उनको पता है कि गांव खेत खलियान में बरसात में छोटे छोटे पानी के ऐसे गड्ढे में ना छोटे छोटे पॉन्ड ऐसे पोखर यहाँ वहाँ भरते हैं। अब जैसे बारिश खत्म होती है, जब गर्मी का सर्दी का मौसम आता है, तभी भी रहता है पानी उसमें, और बहुत अच्छा दिखता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, सेटल हो जाता है डस्ट उसके अंदर का, और पानी एकदम सुंदर दिखता है। उस पानी के अंदर आपने देखा होगा मछलियां भी रहती है, देखा कभी आपने, बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, मेंढक रहते हैं, मछलियां रहती हैं, अब बड़े मजे करते हैं, वो बड़ा आनंद आता है उसमें, इंजॉयमेंट आता है, अभी कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं है। और होता क्या है ना कि ऐसे जो छोटे छोटे पोखर रहते हैं ना, वो मेन नदी के सोर्स से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि पानी सूख जाता है। अभी समझो नदी के किनारे में कोई अगर छोटा पोखर रहेगा, उसका कनेक्शन धीरे 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 टूट जाता है जब यू नो पानी सूखने लगता है शरद ऋतु में, धीरे धीरे फिर गर्मी आती। तो अभी होता क्या है, जैसे शरद ऋतु खत्म होने आता है, वैसे धीरे धीरे जो पोखर का कनेक्शन एक तो टूट गया मेन नदी से, अब उसके अंदर जो मछली थी उसको क्या सोचना चाहिए था कि अरे भैया इस छोटे पॉन्ड में मजा आ रहा है, यहाँ पे ज्यादा खतरा भी नहीं है, कोई बड़ी मछली भी नहीं है, यू नो, लेकिन मेरा जो मेन नदी से कनेक्शन है वो तो टूटते जा रहा है ना, सूख रहा है वो पानी। अब धीरे धीरे क्या होने वाला है, वो पोखर का जो पानी है वो भी सूखेगा, और धीरे धीरे मेरा भी पानी सूखने वाला है, मेरे शरीर का नहीं तो भागवत में एनालॉजी दिया जाता है, क्या था वो श्लोक, कहाँ था उसको, एज इट इज पढ़ते हैं, मैंने कल निकाल के रखा था यहाँ पे, हिंदी में निकाल के रखा था सॉफ्ट कॉपी में, हाँ, तो ऐसा लिखते हैं, अत्यंत छिछले जल में तैरने वाली मछलियां यह नहीं जान पाई। आप समझिए छिछले जल में मतलब क्या होता है, छिछले मतलब शैलो वाटर, छोटा सा पॉन्ड लेकिन कम पानी होता है उसमें। तो सुखदेव गोस्वामी भागवत में कहते हैं परीक्षित महाराज को कि अत्यंत छिछले जल में तैरने वाली मछलियां यह नहीं जान पाई कि जल घट रहा है, राइट, क्यों नहीं जान पाई, कहां चला गया यार आपको ज़ूम, हां, क्यों नहीं जान पाई, क्योंकि वो नहीं देख सक रही है कि मेरा मेन नदी से कनेक्शन टूट रहा है, क्योंकि मैं वहीं पे एब्जॉर्ब हो गई हूँ, यू नो, अभी मैंने यहाँ पे एक हस्बैंड बनाया है, मेरे बच्चे हैं, ये मेरा सोसाइटी है, यू नो, ये मेरे घर का दीवार है, यहाँ पे टीवी रखा है, ये मेरा बाउंड्री है। मछलियों का अपना अपना रहता है, अपार्टमेंट, बच्चे उनका अपना टेलीविजन, उनका अपना सोशल मीडिया, उनका अपना जॉब, सब कुछ रहता है। ये मत सोचिए कि केवल मनुष्य समाज में ये सब सेटअप रहता है, हर जगह रहता है, अपना अपना उनका रहता है नेटवर्क, इतना उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि एक तो मेन कनेक्शन टूट जाता है, और फिर ऊपर से सूरज की जो तेज रोशनी आती है धीरे 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 उसको सुखा डालती है पानी को, मछलियां नहीं समझ पाती। फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जिस तरह ये कैसे हैं, जिस तरह की परिवार के मूर्ख लोग यह नहीं देख पाते कि हर दिन के बीतने पर उनकी बाकी आयु किस तरह क्षीण हो जाती है, राइट। सुखदेव आपको तात्पर्य में फिर प्रभुपाद के डिसाइपल्स लिखते हैं, वर्षा ऋतु के बाद जल क्रमशः घटता जाता है, किंतु बेखबर मछलियां, बेखबर कहा गया क्योंकि ध्यान नहीं रहता उनका सूखते हुए पानी के ऊपर, बेखबर मछलियां इसे नहीं समझ पाती, अतः वे झील तथा नदियों के तट पर प्रायः भटक जाती है।
इसी तरह यू नो जीवन में व्यस्त रहने वाले लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि उनकी बाकी आयु निरंतर घटती जा रही है, इस तरह वे अपनी कृष्ण भक्ति पूरी नहीं कर पाते और जन्म मृत्यु के चक्कर में भटक जाते हैं, राइट। जो कि हालत अभी यहाँ पे किसकी है, धृतराष्ट्र की है, कि जो समझ नहीं पा रहा है कि मेरे आसपास सब पानी सूख गया, इन द सेंस कि मेरे सारे रिलेटिव्स मर गए, मेरा एम्पायर नष्ट हो गया। अब आप बोलेंगे कि ऐसा कैसे नष्ट हो गया, अभी तो महल में रह रहे धृतराष्ट्र, भाई उसका महल नहीं हो अभी, वो तो किसका महल है। इसलिए यहाँ पे सुत गोस्वामी क्या कह रहे हैं, कहाँ गया अनुवाद है, कह रहे हैं कि आप पराए घर में पड़े हो प्रभु, आपका घर नहीं हो, आपको क्या लगता है आपका घर है, आपकी जायदाद है वो, जिनके साथ आपने कलह किया द्वेष किया, अब उनके घर में रह के समझ रहे हो कि मेरा घर है ये, राइट। अब कुछ प्रभुपद उसको प्रपट में पैराफ्रेज कर रहे हैं अच्छी तरह से, कहते हैं कि है ना, आगे आगे जाएंगे दो तीन लाइन में, ये पहली लाइन तो बहुत सुंदर है, कहते हैं राजा धृतराष्ट्र को क्रूर काल द्वारा वशीभूत उनकी गंभीर दशा का स्मरण कराया जा रहा है। फिर कहते हैं कि उनके जीवन में क्या क्या घटित होने जा रहा है वो बताया, उनके पिता विचित्र वीर्य काफी पहले मर चुके थे जब वे तथा उनके छोटे भाई सभी छोटे छोटे बालक थे, यह तो भीष्मदेव की देखरेख तथा सर्वदयता का परिणाम था कि वे अच्छी तरह से पल सके। फिर उनके भाई पांडु भी चल बसे, तत्पश्चात उनके 100 पुत्र तथा सारे पौत्र अपने अन्य समस्त हितेशी समेत, मतलब क्या बचा, अन्य हितेशी मतलब जितने भी गुंडे थे मवाली लोग थे उनके साथ सबके सब क्या हो गए, साथ में भीष्मदेव द्रोणाचार्य कर्ण तथा अन्य बहुत सारे राजाओं तथा मित्र सभी कुरुक्षेत्र युद्ध में काम आ चुके थे, मारे जा चुके थे, राइट। तो अभी बचा कौन, उसके बाद लिखते हैं इस प्रकार उनके सारे जन तथा उनका सारा धन नष्ट हो चुका था और वे और अब वे अपने भतीजे की कृपा पर जीवित थे जिसने जिसे उन्होंने सभी प्रकार से मुसीबत में डाला था। अभी देखिए इन सब ऑड सिचुएशन के बावजूद धृतराष्ट्र क्या सोच रहे थे, इन सारी विफलताओं के बावजूद वे सोच रहे थे कि वे अपना जीवन दीर्घकाल तक ऐसे ही चलाते रहेंगे। सोचिए जीव की इस संसार को भोगने की आशा क्या रहती है, कैन यू इमेजिन, मतलब जीव कितना, और ये भी इससे भी हमें एक फिलोसॉफिकल दृष्टांत मिलना चाहिए कि जीव कितना यू नो सनातन काल तक जीने के लिए लालयित रहता है, क्योंकि उस अमर है ना आत्मा, आत्मा कभी नष्ट नहीं होता है, सिर्फ हमारा प्लेटफॉर्म गलत है, ये इच्छा बराबर है जीने की, लेकिन जिस जगह आप जीना चाहते हैं वहां आपको नहीं जीने दिया जाएगा, वहां आपको मरना ही पड़ेगा, राइट। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, ऐसे जगह जाना चाहिए जहां पे मृत्यु नहीं होती है, और वहां जाने के लिए अपना कर्म सुधारना पड़ता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं धृतराष्ट्र को विदुर यह बता देना चाहते थे कि हर एक को अपने कर्म तथा भगवत कृपा द्वारा अपनी रक्षा करनी होती है, मनुष्य को श्रद्धापूर्वक अपना कर्म करना चाहिए, फल तो परमेश्वर पर आश्रित है, जो व्यक्ति परमेश्वर द्वारा रक्षित नहीं है उसकी रक्षा न कोई मित्र न संतान न पिता न भाई न राज्य या अन्य कोई कर सकता है, अतएव मनुष्य को भगवान के संरक्षण की खोज करनी चाहिए क्योंकि यह मनुष्य जीवन उसी के लिए मिला है। एक लेक्चर में महाराज कह रहे थे, मैं सुन रहा था महाराज का, महाराज कहते हैं कि इस दुनिया में हम लोग सिक्योरिटी ढूंढते हैं, राइट। सिक्योरिटी किस में ढूंढते हैं, पैसे में, और सिक्योरिटी ढूंढते हैं रिलेशनशिप में, सिक्योरिटी ढूंढते हैं हम लोग कोई इंश्योरेंस पॉलिसी में, राइट। सिक्योरिटी ढूंढते हैं हम अपने अपार्टमेंट में, अनेक अनेक जगहों पर, लेकिन ये सब सिक्योरिटीज कैसे हैं, नाशवान सिक्योरिटीज है, ये हमें कोई सिक्योरिटी देने वाला नहीं है। तो महाराज कह रहे हैं कि सिक्योरिटी अगर ढूंढना है तो किसमें ढूंढो, हरि कथा में ढूंढो। सिक्योरिटी ढूंढना है हरि नाम में ढूंढो, सिक्योरिटी ढूंढना है वैष्णव सेवा में ढूंढो, क्योंकि उससे मिलने वाला जो सिक्योरिटी है वो ऐसा जबरदस्त सिक्योरिटी है जिसको कोई यू नो मतलब यहाँ वहाँ नहीं कर सकता। जैसे अम्बरीश महाराज, उनका सिक्योरिटी क्या था, उनका किंगडम सिक्योरिटी था, उनका धन दौलत, उनके नौकर चाकर सैनिक थे, नहीं, उनका सिक्योरिटी स्वयं भगवान थे, यू नो। इसीलिए इतना जीवन में इतना बड़ा यू नो रिवर्सल आने के बाद भी उससे तर गए हो, राइट। ऐसा कहने का मतलब ये नहीं कि उनके जीवन का ही यू नो मतलब रक्षा किया गया, बल्कि उनके भक्ति का रक्षा किया गया, राइट। भगवान हमारे केवल शरीर को बचाने के लिए नहीं आते हैं, भगवान हमारे भक्ति को बचाने के लिए आते हैं संसार में, राइट। जब हम भक्तों की बात करते हैं तो इसलिए
ये जो यहाँ पे सूचना दी जा रही है विदुर जी को, सॉरी धृतराष्ट्र को, कि सब कुछ खत्म हो गया भैया, अभी यहाँ से निकलो, और यहाँ से निकलने के लिए आपको क्या हुआ? इसीलिए देखिए प्रॉपर लिखते हैं, उन्हें उनकी गंभीर स्थिति की जानकारी निम्नलिखित शब्दों द्वारा आगे दे रहे हैं। तो अभी आप कभी कभी ऐसा बोल सकते हैं कि क्या इतना सारा प्रवचन कभी पांडवों ने नहीं किया होगा क्या? क्योंकि इससे निकलने का रास्ता क्या है? भगवान के शुद्ध भक्तों के साथ संगति करना, राइट। ये सब भ्रम से बाहर निकलने का एक तरीका है, भगवान के भक्तों का संगति होना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि धृतराष्ट्र के साथ तो इतने महाभागवत पांचों पांडव रह रहे थे, फिर भी धृतराष्ट्र को ऐसे कैसे नहीं हुआ? समझ में आया? देखिए फिजिकल प्रॉक्सिमिटी से कुछ भी नहीं होने वाला है, केवल साथ में रहने से कुछ नहीं होता है। आप सुनने के लिए अपने कान खुले भी रखने चाहिए ना जो बोल रहे हो। आप साथ में रहेंगे लेकिन कान नहीं बंद कर देंगे, मैं आपका सुनने वाला नहीं हूँ, मैं तो अपना वही सुनूंगा जो मैंने यूट्यूब पे देखा है, इंस्टाग्राम में सुना है। गुरु महाराज बोले वही सुनूंगा नहीं मैं, बाकी वो लोग बोलते वही सुनूंगा मैं। यही हमारा विषय चल रहा था अभी। तो अभी अगर आपको इंस्टाग्राम में अगर महाराज को सुन रहे हैं, वैष्णव को सुन रहे तो अलग बात है, बट देन आजकल इतना जमाना इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, हजार लोग हजार चीज बोलते हैं, और हमको लगता है कि जिस वीडियो को ज्यादा व्यूज है मतलब वो बराबर है। ऐसा थोड़ी होता है यार, अगर हजार एक लाख गधों ने अगर किसी दूसरे गधे को अगर व्यूज दे दिया, ये गधा सही बोल रहे हैं, तो वो व्यूज कुछ काम के हैं क्या आपके? नहीं ना। तो आपने देखे होंगे जितने जितने यू नो नॉन कृष्णा कॉन्शियस वीडियोज हैं उसको ही ज्यादा व्यूज देखेंगे आपको यूट्यूब पे। इसका मतलब थोड़ी है कि वो चीज जीवन में करने लायक है, हैं? नहीं ना। तो आपको किसको गुरु बनाना है वो आप देख लीजिए, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल्स, केवल बाह्य चीजों को देखकर नहीं कि अरे इसको ज्यादा व्यूज है मतलब ये सही है, यू नो हजार गधे ताली बजाएंगे इसका मतलब थोड़ी है कि वो गधा सही है। अपने विवेक को यूज करना है, गुरु साधु शास्त्र को देखते हुए हमें चलना है। एक्चुअली क्या होता है संसार में, जो गोल्ड रहता है ना, असली ज्वेलरी जो सोना है उसको बहुत ही कम लोग खरीदना चाहते हैं, क्योंकि उसको खरीदने के लिए मूल्य लगता है, पैसा नहीं देना चाहते लोग। इसलिए आप देखेंगे इमिटेशन ज्वेलरी के दुकान के बाद बहुत लंबा लाइन लगता है, लेकिन जो असली ज्वेलरी है उसके बाहर कम दिखेगा आपको, राइट। तो इसलिए आप इस पे मत जाइए कि इसको इतने व्यूज है, उसको इतने व्यूज है, तो फिर ये पॉपुलर है बहुत यार। तो ये सही बोल रहे हैं, पॉपुलरिटी इज नॉट द इंडिकेशन ऑफ राइट थिंग, पॉपुलर इज इंडिकेशन ऑफ कलौ शूद्र संभव। कलयुग में ऑफकोर्स सही भी हो सकता है, अच्छा पॉपुलर है तो मतलब और हो भी नहीं सकता, आपको परखना पड़ेगा। कलयुग में सब लोग क्या है, शूद्र लोग हैं, शूद्र को थोड़ी विवेक होता है समझने के लिए क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए अभी यहाँ पे हुआ ऐसा है कि धृतराष्ट्र के साथ उसके बैठे पांचों भाई है ना, क्या बोलते हैं भतीजे बोलते हैं ना अपने, क्या बोलते हैं भांजे लोग, पांचों पांडव शुद्ध भक्त भतीजे शुद्ध भक्त है, लेकिन फिर भी क्या करें बेचारे है ना धृतराष्ट्र, ना तो उनसे कभी काउंसिल लेने के लिए गए, और ना ही पांडव अपनी मर्यादा को तोड़कर अपने है ना ताऊ को कोई भी, देखिए उनके अंदर इतना नम्रता था कि हम अपने ताऊ को कैसे इंस्ट्रक्शन करेंगे यार, और ताऊ भी कभी पूछने नहीं आए भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे करनी चाहिए, भगवान कृष्ण से आपका इतना प्रेम क्यों है, राइट। तो दैट्स व्हाई उनके होते हुए भी कुछ काम नहीं हो पाया, है ना। तो इसीलिए अभी विदुर जी क्या बोल रहे हैं, तुमको तो यहाँ रह के भी कुछ काम हुआ नहीं, अभी तुम यहाँ से निकल जाओ, जब तुम अपनी आसक्ति तोड़ दोगे तभी काम बनेगा तुम्हारा, राइट। इस जगह से जो आसक्ति बना के रखी, इसीलिए अभी देखो आगे श्लोक में कितना डांटते हैं, अब पढ़िए आगे 22 नंबर का श्लोक। हाँ आरती माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 22। हरे कृष्ण पूजे दानुपनाम अंध पुरैव बधिरो मंद प्रज्ञाश्च सांप्रतम विशीर्ण दंतो मंदाग्निः सराग कपम उद्वनः उद्वहन। आप जन्म से ही दृष्टिहीन रहे हैं और हाल ही में आप कुछ बहरे हो चुके हैं, आपकी स्मृति अल्प हो गई है और आपकी बुद्धि विचलित हो गई है, आपके दांत हिल चुके हैं, आपका यकृत क्रियाहीन हो चुका है और आपकी देह से कफ निकल रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यही हमारे साथ होगा एक दिन, ये मत सोचिए कि वाह कितना गाली दिया जा रहा है धृतराष्ट्र को, यही हमारे साथ होगा। अभी भी होता है जब आप बीमार गिरते हैं तो हरे कृष्ण प्रभु जी मेरे लिए प्रे करना प्लीज, मेरी तबीयत डाउन है, और जैसे तबीयत ठीक हो जाती है ए प्रभु क्या बोला,
होता है ना, नहीं देखा आपने कभी? मेरे साथ तो हमेशा होता है, जब बीमार होता हूँ तो ऐसा हो जाता है, मच्छर जैसा, एकदम चूहे जैसा, जैसे बीमार से बाहर निकल गए, कौन क्या बोल रहा है रे, हमारे जैसा कोई नहीं है इधर, बोलो बोलो, सलाम करो. दैट्स द डिजीज, दैट्स द प्रॉब्लम, राइट? ये हमारा समस्या है. और ये सारे यहाँ पे जो प्रसंग पढ़ रहे हैं, हम ये देख के हमें समझना चाहिए कि हो सकता है अभी आप थोड़ा सा गेम खेल रहे हैं माया के साथ, है ना, लुपा छुपी. माया बोलती है कभी, तुम अभी बीमार है ना, चुपचाप. हाँ मैं अभी चुपचाप हूँ. थोड़ा तबियत ठीक हो जाती है, एकदम शेर जैसे बन जाती है. लेकिन अल्टीमेटली हमारा डेस्टिनेशन है, राइट? अब देखिए इसमें एक चीज़ आपको दिखेगी, खास करके स्पेशली दो चीज़ें यहाँ. एक तो आपकी स्मृति है, यू नो, कैसा एम्बेरसिंग रहता है मालूम है आपको, जिसने जीवन में इतना भयंकर काम किया हो, बड़ा ऑफिसर हो या जो भी बड़ा हो, कोई भी व्यक्ति होने दो, बुढ़ापे में वो बोलते हैं लोग ऐसा, कोई बुरा मत मानना अगर कोई बूढ़ा है यहाँ पे तो. लोग बोलते हैं कि बूढ़े लोग छोटे बच्चे जैसे रहते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं सृष्टिपति प्रभु? क्योंकि वो छोटे छोटे चीजों के लिए जिद करते हैं, छोटे छोटे चीजों को बुरा मानते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो ये सब बच्चों जैसी आदतें आ जाती है ना उस समय पर. ऐसा क्यों होता है? स्मृति प्रकृति है, आपको डाउनफॉल में लेके जाती है, तो जहाँ से शुरू हुए वहीं आ जाते हैं वापस. यादाश्त हो जाती है उसकी. तो मतलब ये दुख की बात है कि सुख की बात है? भौतिक हिसाब से देखें तो दुख की बात है. और आध्यात्मिक, जो आध्यात्मिक में होते हैं उनके लिए तो ये सब कुछ फीलिंग होती ही नहीं है, वो हमेशा हाई लेवल में रहते हैं, हायर टेस्ट. आपके जैसे. यस यस यस. देखिए इसीलिए हमें कहा जा रहा है कि हमें सबको सृष्टिपति प्रभु जैसा बनना है, राइट? विदुर जैसा बनना है. देखिए ना अभी इतना उम्र में सेवा करते हैं, बहुत सारा सेवा करते हैं इस्कॉन मीरा रोड में. देखिए बुढ़ापा ऐसी चीज है ना, उस समय अगर आपको शेल्टर नहीं मिलेगा, शेल्टर, क्योंकि उस समय आपको कोई शेल्टर नहीं देगा, आपके घर के लोग बोलेंगे एक जगह बैठो चुपचाप, आपका खाना आएगा, खाते रहो, ज्यादा हमारे काम में इंटरफेयर मत करना पिताजी. ऐसे ही लोग हैं, जमाना बहुत बदल गया है प्रभु आजकल. इसीलिए अगर आपके पास शेल्टर है भगवान कृष्ण का, उनके भक्तों का संघ है, उनकी सेवा है, बुढ़ापा इतना अच्छा जाएगा ना, इतना अच्छा जाएगा कि आप मतलब ब्लिसफुली हंसते हंसते आनंद से इस जगत को छोड़ के भगवत धाम की तरफ प्रयाण करेंगे. लेकिन इसके लिए जवानी में ट्रेनिंग चाहिए, और अगर ट्रेनिंग नहीं लिया बुढ़ापा बहुत भयंकर जाने वाला है. तो ऑफकोर्स आप लोग इतने भाग्यशाली हैं, और मैं भी भाग्यशाली हूँ कि हम सब लोग भागवत का डिस्कशन करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, यू नो, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कि ये ट्रेनिंग हमारे काम में आएगा जीवन के सबसे कठिन कठिन समय में. तो आपकी स्मृति चली जाती है, यू नो, जैसे ना, जैसे चैतन्य चरित्र सुंदर उदाहरण देते, कहते हैं कि समझो आपके घर में कार है, और आपका एक, यू नो, बहुत कार आपने चलाया है जिंदगी भर, और एक दिन आप घर के बाहर निकलते हैं, कार में बैठते हैं, और आपको पता ही नहीं चलता गाड़ी कैसे चलाए. यू नो, जब बूढ़े हो जाते हैं सब भूल जाते, गाड़ी कैसे चलाते हैं, ये गाड़ी कैसा एम्बेरसिंग लगे, कैसा मतलब शॉक लगेगा लाइफ का आपको. जिस चीज के ऊपर आपको पकड़ था, आप उस्ताद थे, वही चीज आपका एक्सपर्ट चला गया. अब देखिए ना, इससे भयानक होता है दूसरा डाइजेशन का. यहाँ पे क्या लिखा गया है कि आपकी बुद्धि तो विचलित हो गई, आपके दांत हिल चुके हैं. मैंने देखा है कई बुढ़े बड़े लोगों को दांत हिल चुके, लेकिन खाने में उनका छूटता नहीं. मतलब जिह्वा जो रहती है वो बूढ़ी नहीं होती बेचारी. जिह्वा कभी बूढ़ी होती है क्या? नहीं होती ना. आदमी कितना भी बुढ़ा हो जाए, दांत एक बार निकल जाते हैं, गल जाते हैं, लेकिन जीवा तभी भी उतने स्वादिष्ट व्यंजन मांगती रहती है. लेकिन बेचारा पेट बोलता है, अरे भैया मत दे, मेरी हालत खराब हो गई, मेरा कैपेसिटी खराब हो गया, मेरा, यू नो, पूरा जीवन भर तूने इतना भोग किया है कि उसका परिणाम अभी तुझे भुगतना पड़ेगा, अभी तू कुछ भी नहीं ले सकता. लेकिन फिर भी इंसान क्या करता है, लालयत रहता है, नहीं और भोग करना, और भोग. जैसे आपने कहाँ स्टोरी सुना होगा, अकबर बीरबल का स्टोरी सुना होगा. अकबर बीरबल अकबर को बोलता है कि
नो, ये मृत्यु के समय तक भी इंसान का भोग का इच्छा नहीं जाता है। सुना होगा आपने स्टोरी, अकबर बोलता है कि ऐसा कैसे होता है, तो बोले चलो दिखाता हूँ आपको। है ना, एक आदमी है गांव में हमारे, वो अपने किंगडम में वो मरने के लिए आया है, बेड पे गिरा हुआ है, लेकिन साथ में आपकी पुत्री को लेकर चलना, जवान जो लड़की है आपकी, जाते हैं लेकर उसको। उसके सामने जब जाते हैं तो अभी इतने बड़े बादशाह आए, तो फिर उसको उठ के सलाम करना चाहिए या फिर उसकी तरफ देखना चाहिए? तो फिर वो व्यक्ति किसकी तरफ देखता है? उस लड़की की तरफ देखता है। मतलब इंसान की जो भोग की वासना रहती है वो अंत तक खत्म नहीं होती है, यू नो। फिर सारे इंद्रिय आपके जीवा लो, कान लो, जो भी लो, जैसे भी लो, राइट। और डाइजेशन ऐसी चीज रहती है जो पूरे शरीर को कंट्रोल करती है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन जो रहता है आपके शरीर को पूरा क्या करता है, स्वस्थ रखता है। अगर वही खराब हो गया तो फिर आपका सब कुछ काम ठप हो जाता है। मेन इंजन है ना, एक इंजन रहता है आपका हार्ट और दूसरा इंजन रहता है, देखिए स्मृति एक चीज है, चलो स्मृति चली भी गई तो लेकिन एक जगह पड़े रहते हैं, खाना पीना चलता रहता है, लेकिन अगर आपका डाइजेस्टिव फायर ही अगर गायब हो जाए तो आप जो भी खाएंगे बस एज इट इज, उसका कुछ विघटन नहीं होता है। तो कितना मतलब तकलीफ है सोचिए आप। और ऐसी तकलीफ में धृतराष्ट्र जी रहे थे जब उनका पूरा शरीर खत्म हो गया था, और फिर भी उनको इच्छा थी कि मैं यहीं पे रहूं, रहकर इसको भोग करूंगा, राइट। आपको श्रील प्रभुपाद परपोट में लिखते हैं बीचों बीच एक चार पांच लाइन छोड़कर, धृतराष्ट्र के शरीर में इंगित किए गए सारे लक्षण अपक्षय के थे, अर्थात मृत्यु के अंतिम आघात के पूर्व शरीर के क्षय होने के लक्षण थे, राइट। यह शरीर उत्पन्न होता है, बढ़ता है, बना रहता है, दूसरे शरीरों को जन्म देता है, उसका क्षय होता है और तब वो नष्ट हो जाता है। किंतु मूर्ख लोग नश्वर शरीर के साथ स्थायी समझौता करना चाहते हैं और सोचते हैं कि उनकी जायदाद, संतानें, समाज, देश इत्यादि उन्हें संरक्षण प्रदान करेंगे। ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों में आकर वे ऐसे अस्थायी कार्य में व्यस्त हो जाते हैं और वे बिल्कुल भूल जाते हैं कि उन्हें यह अस्थायी शरीर का त्याग कर नया शरीर धारण करना है, जिससे समाज, मित्रता तथा प्यार कि फिर नई व्यवस्था करनी है और अंत में फिर से नष्ट हो जाए। कितनी बार चलाएंगे आप ये चक्कर, कितनी बार स्कूल जाएंगे, कितनी बार स्कूल के कपड़े पहनेंगे, रंगी बिरंगी आते हैं वो, फिर बैग झोली लेके जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, एग्जाम पास करेंगे, फिर नौकरी करेंगे, फिर संसार चलाएंगे, फिर बूढ़े हो जाएंगे। जीव इस तरह से जन्म जन्मांतर क्या कर रहे हैं, कष्ट भुगत रहा है, राइट। आप बोलते हैं कि इसमें कष्ट क्या है प्रभु जी, आपको क्या लगता है कष्ट थोड़ी है, कितना आनंद आता है आपको क्या पता, आप तो मंदिर में रहते हैं, आपको थोड़ी पता है कितना आनंद है। देखो हमारा घर है, परिवार है, सब कुछ संसार। तो अभी मैं करके आए कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, वो भी ये प्री मैरिज था, मैरिज के बाद क्या होता है वो अलग ही है। एक सवाल था, सवाल के पहले एक डायलॉग बोलूं आपको, एक डायलॉग बोलना चाहता हूं। आज सुबह हमारे यहाँ भागवत का कक्षा हो रही थी, उसमें एक प्रभु जी ने डायलॉग बोले, लव इज ब्लाइंड, मैरिज इज आई ओपनर। वो बोला सही कहा आपने यार, जो भी हमारे ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करते हैं वो भी ऐसे बोलते हैं। आश्रम का रहता है ना प्री ट्रेनिंग रहता है हमारे, एक ब्रह्मचारी ट्रेनिंग एक साल दो साल रहता है, बोलते वो ट्रेनिंग मतलब लव, भगवान से लव हो गया हमको, उनको पता नहीं इस लव का कितना बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा बाद में जब सस्टेन करेंगे आश्रम। तो ये आश्रम पॉइंट ऑफ सोच रहा था मैं, फिर गृहस्थ आश्रम के लिए भी रहता ही हो, प्यार अंधा होता है नहीं, लेकिन बाद में सब दिखना चालू होता है, अरे ये ऐसा है वैसा है, यहाँ पे इतना कदम रखना है, यहाँ कदम नहीं रखना है तो नहीं रखना है, यहाँ कदम रखा तो तुम्हारी खैर नहीं, नहीं 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 आज का नहीं तो भोजन मिलेगा नहीं। यस बोलिए आरती माता जी। प्रभु जी आप बोल रहे थे कि जैसे मनुष्य का जन्म लिया है तो फिर नेक्स्ट जन्म से फिर से स्कूल जाना है, तो मनुष्य जन्म हमने लिया तो ये जरूरी थोड़ी है, वो तो हमारे कर्मों के अनुसार है ना कि हम मनुष्य जन्म लेंगे, बाकी कीड़े मकोड़े भी तो बन सकते हैं ना। क्या होगा तो आपको क्या लगता है कि चींटी का स्कूल नहीं रहता है क्या? क्या है ना बिल्ली का स्कूल नहीं रहता है क्या? क्या बिल्ली का परिवार नहीं रहता है क्या? क्या बिल्ली का खाने का प्लेट नहीं रहता है क्या? बिल्ली का घर देखिए 84 लाख योनि में जो समस्याएं हैं वो जो कि तो बनी रहती हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आहार निद्रा भय मैथुन, ये समस्याएं हर जगह बनी रहती, चाहे मनुष्य की योनि हो चाहे या पशु की योनि हो, उनको भी स्कूल जाना पड़ता है। उनका स्कूल मतलब क्या? देखिए अभी एक चीता ने जन्म दिया एक छोटे है ना बालक को, उसका स्कूल क्या है? माँ सिखाती है शिकार कैसे करो बेटा, यू नो ये खरगोश को कैसे पकड़ना है, सिखाती है ना, नहीं सिखाती?
तो उसका स्कूल नहीं है क्या? अब हमें लगता है कि हमारा स्कूल मतलब इंटरनेशनल IGCSE या फिर CBSE एकदम शर्ट पहन के टाई पहन के और हाथ में एक लैपटॉप, यही स्कूल है हमारा। ये हमारा कॉन्सेप्शन है स्कूल का, उनका अपना कॉन्सेप्शन है स्कूल का, उनका अपना स्कूल चलता है, उनके अपने, सिर्फ इतना है कि उनका सिर्फ इतना है कि उनका जो लाइफ है इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता हमारा जितना। तो उसके अंदर भी विवाह होते हैं लेकिन कभी डाइवोर्स नहीं होता है उनके अंदर कभी किसी का हार्ट ब्रेक नहीं होता। कभी आपने सुना है किसी बिल्ली का हार्ट ब्रेक हुआ, आए हाय आज हार्ट ब्रेक हो गया मेरा यार, मेरे को उसने यू नो ब्रेक कर दिया या फिर मेरा ये रिश्ता टूट गया, ऐसा नहीं होता है। दैट्स द ओनली डिफरेंस कि हम लोग इतने अभी एडवांस हो गए हैं कि हमने आधुनिक तरक्की की इतनी ऊंचाई यू नो प्राप्त कर ली है कि हम लोग पशुओं से भी यू नो दुखी जीवन जी रहे हैं। दैट्स द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज सबका स्कूल है। पता है आपको गर्मी के दिन में, आपके घर में एसी दिख रहा है इसलिए बोल रहा हूँ आपको ऊपर, गर्मी के दिन में जब भैंसों को जब गर्मी लगती है तो क्या करते पता है आपको? पानी के अंदर जाके बैठ जाते हैं, जहां जहां पानी मिलता है छोटे छोटे तालाब वो उनका एसी है माता जी। आपका एसी ये है तो उनका वो एसी, आपको क्या लगा उनका एसी नहीं होता है? और फिर कभी कोई वहां पे आ जाता है, उठो यहाँ से निकलो निकलो, बेचारों को तकलीफ होता है। वैसे आपके इधर कभी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, आपको भी तकलीफ होता है, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर ऑलवेज, कुछ फर्क नहीं है। फर्क इतना ही है कि हम लोग सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं जिंदगी के बारे में कि ये जीवन क्या है, मुझे कष्ट क्यों होता है ना, मेरे जीवन के लक्ष्य क्या है, भगवान क्या है, वो बेचारे नहीं सोच सकते पशु। दैट्स द ओनली डिफरेंस, एंड बिकॉज ऑफ दैट मनुष्य जीवन इतना इंपॉर्टेंट है, राइट? इसीलिए धृतराष्ट्र जैसे इतने बूढ़े होने के बाद भी आके विदुर जी फटकार लगा रहे हैं कभी देखा आपने किसी बूढ़े कुत्ते को जाकर किसी ने प्रचार करते हुए डिवोटी को देखा है कभी? नहीं ना, उसको नहीं समझ में आएगा। लेकिन इंसान को प्रचार किया जाता है क्योंकि उसको समझ में आता है, और नहीं समझ में आए तो पशु है वो, राइट? ओके, थैंक यू प्रभु। सृष्टिपति प्रभु, आप इससे ज्यादा अच्छा आंसर दे सकते हैं एक्चुअली। नहीं, आंसर तो हो गया आपने अच्छी तरह से इसको एनालाइज कर दिया, ठीक है। ओके, देन अभी देखिए यहाँ पे इतना बोलने के बाद अभी 23वें श्लोक में, अभी इस पूरे भागवत के इसमें ये सबसे भयानक श्लोक है, यू नो गाली देना हो तो देखिए ऐसी गाली देना कभी, वो भी संस्कृत में देना, घर वालों को समझ में नहीं आएगी तो पढ़िए, कौन पढ़े बरसाने की छोटी माता जी, पढ़िए आप श्लोक नंबर 23। हरे कृष्णा दंडक अहो मही असि जंतुर जीवित आशा यथा भवान भीम पवर्जितम पिंडम आदत्ते गृह पालवत। अहो जीवाची जगण्याची इच्छा तरी किती प्रबळ असते ते पहा, कारण तू सुद्धा एखाद्या पाळीव कुत्र्याप्रमाणे राहत आहेस आणि भीमसेनाने टाकलेल्या अन्नाचा स्वीकार करीत आहेस। हरे कृष्ण। यस, तो मराठी में कितना सटीक उसका अनुवाद हुआ है, और हिंदी में भी है ना, हिंदी में थोड़ा अच्छा अनुवाद किया है उन्होंने, घरेलू कुत्ता लेकिन घरेलू और पालियु में फर्क होता है थोड़ा क्योंकि पालियु जो रहता है ना उसको जरूरी नहीं कि घर के अंदर रखा जाता है, घरेलू मतलब घर के अंदर का होगा ना, थोड़ा अच्छा लगता है सुनने के लिए घरेलू, है ना। देखिए मतलब जीव का जो जीने का इच्छा है, भोगने का इच्छा है, किस हद तक रहता है कि अपने आप को ह्यूमिलिएट करके, अपने आप को अपमानित करके भी उस भोग को प्राप्त करना चाहता है वो, राइट? इसे ना चैतन्य चरणामृत सुंदर उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि दिस इज द फिलोसॉफी ऑफ एनी प्रीचर और माया आल्सो। इसको कहा जाता है हिट वेयर इट हर्ट्स, वहां मारो जहां दर्द होता है। अब देखो बॉक्सिंग में दो अपोनेंट फाइटिंग करते हैं, यहाँ पे ए है दूसरा बी है, दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं, तो ए वाला देखता है कि ये बी वाले को ना मैं बहुत पीटूंगा, लेकिन मैं पहले ऑब्जर्व करूंगा कहाँ पीटने के बाद उसको ज्यादा लगता है, तो कभी हाथ के ऊपर ट्राई करता है, कभी चेस्ट के ऊपर, कभी पैर के ऊपर, फिर कहीं एक यू नो जैसे यहाँ किसी हाथ के नीचे का कोना है वहां पे मारता है, आह उसको लगता है दुखता है, वो समझ जाता है ये इधर मारूंगा ना तो इसकी यहाँ पे ना पहले कुछ चोट लगी हुई है, वहां मारूंगा तो और लगता रहेगा और वहीं मारना है मुझे, तो कुछ भी करके वो उधर ही मारेगा, जिससे धीरे 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 आपका वो एरिया जो है जो पहले से दुख रहा है खराब है और खराब हो जाए और गिर जाए आप। इसको बोलते हैं हिट वेयर इट हर्ट्स, ये स्ट्रेटेजी है हराने के लिए। तो आपको इसी तरह से माया हमारे ऊपर प्रहार करती है, हमारा जो वीकनेस रहता है उसके ऊपर अटैक करती है बार 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 बार, ताकि वो वीक पॉइंट और वीक हो जाए और वीक हो जाए, और वहां से माया घुसे अंदर पूरी तरह से,
राइट, तो ये हो गया माया के साइड से। अभी भक्त भी इसका इस्तेमाल करते हैं प्रचार में। तो अभी विदुर जी क्या कर रहे हैं, धृतराष्ट्र को हिलाने के लिए क्या कर रहे हैं, उनका सबसे जो यू नो वीकेस्ट पॉइंट है उसके ऊपर हिट कर रहे हैं। अभी उनका वीकेस्ट पॉइंट क्या था, ये पूरा राज्य उनको चाहिए था राइट, हस्तिनापुर का, लेकिन उनको मिल नहीं पाया, उनके पुत्र राजा नहीं बन पाए। तो धृतराष्ट्र को विदुर जी यही याद दिला रहे हैं कि अरे भैया तुम, एक तो पहले कहा कि पराए घर पे पिछले श्लोक में राइट, पराए घर पे कहने का अर्थ था कि आपका घर है नहीं, आप तो यहाँ पर रेफ्यूजी शरणार्थी बन के रहे हो राइट। और दूसरी चीज अभी श्लोक में कह रहे हैं कि आप एक पालतू कुत्ते की तरह रहे हो। अभी पालतू कुत्ता कहने का अर्थ क्या है, अभी ऐसा नहीं था कि युधिष्ठिर महाराज ने उनको इस तरह रखा था, युधिष्ठिर महाराज तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इस तरह से धृतराष्ट्र को रखना है घर पे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस चार पांच मिनट है फिर आपकी क्लास छुट्टी हो जाएगी ठीक है। तो धृतराष्ट्र को कभी युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं दिया, उनको तो बहुत अच्छी तरह से रखा, अपने पिता के समान सम्मान देकर रखा, और सारे लोगों को बोलकर रखा था ये हमारे सबसे रिस्पेक्टेबल व्यक्ति है, इनको कभी कोई ना अपमान करके रखना नहीं है, तो ये तो कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन फिर भी विदुर जी इन शब्दों का इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं कि धृतराष्ट्र, क्योंकि धृतराष्ट्र ने सबसे ज्यादा क्या किया था, प्रयास किया था इनको मारने का, इनको बेघर करने का। फिर अगर आप उन्हीं के घर में रहोगे तो कैसे रहने जैसा है, वो एक पालतू कुत्ते की तरह रहने जैसा है राइट। इनडायरेक्टली टॉन्ट मार रहे हैं उनको, आपको यहाँ तो डायरेक्टली बोल गए हैं कि तुम इस तरह से रह रहे हो, यू नो प्रैक्टिकली ये तुम्हारा घर है ही नहीं, तो फिर तुम क्यों सोच रहे हो कि तुम अपने घर में रह रहे हो मेरे भाई। और खास करके किसका इस्तेमाल किया गया शब्द का, भीम द्वारा, क्योंकि भीम ने क्या किया था बेचारा, उनके जितने भी पुत्र थे सबको उन्होंने मारा था। तो अभी अब देखिए ना, सोचिए जिसने आपके पुत्रों को मारा है, वो भी एक नहीं दो नहीं सौ, उसके घर में आप रह रहे हैं, और उसके अभी देखिए भीमसेन तो ऐसा कभी किया नहीं होगा उन्होंने, किया ऐसा है ना कभी कि ये लो खाओ तुम्हारा खाना, ऐसा कभी किया नहीं होगा। लेकिन विदुर जी उस सिचुएशन को वहां उनके आंखों के सामने रख रहे हैं, मतलब पालतू कुत्ते को कैसे खाना दिया जाता है, पालतू कुत्ता घरेलू कुत्ता कोई भी कुत्ता हो, लेकिन खास करके आजकल तो लोगों ने अपना कॉन्सेप्शन बदल दिया है। विदुर जी अगर आज के समय में घर में किसी प्रचार कर बोले कुत्ता गोद में उसको खिला रहे बच्चे जैसा, लेकिन वो टाइम का जो वैदिक टाइम है, कुत्ता मतलब घर के बाहर, उसको खाना भी दिया जाता है साइड में दिया जाता है, लो खाओ भाई तुम्हारा अपना। तो विदुर जी बोल रहे हैं धृतराष्ट्र की, भैया तुमको ऐसा रोटी फेंका जाता है, ले तुम्हारा खा रोटी जा चल, इस तरह से अपमानित होकर आप रोटी खा रहे हो यहाँ पे, है ना पालतू कुत्ते की तरह। वो भी किसके द्वारा दी गई, भीम द्वारा, जिसको आपने मारने का प्रयास किया और जिसने आपके सारे पुत्र खत्म कर दिए। तो अभी थोड़ा लगेगा ना यार, थोड़ा क्या बहुत लगा उनको, एक तो उनको याद आ गया भीमसेन इसने मेरे पुत्रों को मारा था और मैं उसके टुकड़े में पल रहा हूं, मेरी ये लानत मेरी ये इज्जत। देखिए विदुर जी की स्ट्रेटेजी कैसी है, पहले बहुत कुछ बोला उन्होंने, पहले बोला राजन आप राजा हैं, फिर बोला आप प्रभु मेरे प्रभु आप मेरे भाई हो, फिर जब वो डेवलप हो गया बॉन्ड, फिर उनको उनके वास्तविकता का अनुभव करा के दे रहे हैं राइट। तो एक्चुअली ये कैसा है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अभी एक्चुअली पांडव क्या कर रहे थे, वो लोग राजा थे राइट, रॉयल ऑफलेंस उनके पास था, लेकिन धृतराष्ट्र भी चाहते थे कि वो भी रॉयल ऑफलेंस में रहे, राजा के जैसे रहे, और उनकी इस भाव को ऑफकोर्स युधिष्ठिर महाराज के मन में बिल्कुल नहीं है कि मुझे ऐसा मतलब उनको ये भाव दिलाने के लिए ऐसा रखना है, वो तो अपने यू नो शुद्ध भक्ति के भाव में उनको अपना ही समझ रहे हैं। लेकिन धृतराष्ट्र क्या है, एक जीव के अंदर ना एक यू नो एक इल्यूजरी पोजिशन एंजॉय करने का एक इच्छा रहता है, एक भ्रामिक स्थिति, आपको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका क्या उदाहरण आता है, जैसे पागल खाने में पागल रहता है, बोलता है मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, बाकी उधर के पुलिस बोलते हाँ 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 तुम प्राइम मिनिस्टर है, अच्छा एक चेक साइन कर दो यू नो, हाँ उधर रिबिन काटना है, जाओ जाओ रिबिन काटो गेट में। तो अभी उसको अगर बोलेंगे तू प्राइम मिनिस्टर नहीं तो क्या हो जाएगा, वो पकड़ा जाएगा राइट, गुस्सा हो जाएगा
राइट, तो उसको एजिटेट नहीं करना है तो उसको बोलना पड़ता है हाँ तू है सब कुछ है। तो ऑफकोर्स अपने युधिष्ठिर महाराज ये सब इसलिए नहीं कर रहे थे, लेकिन धृतराष्ट्र फिर आके क्या करते हैं उसको एजिटेट कर देते हैं, पागल हो जाओ लेकिन तुम समझो क्या हो, तुम्हारी स्थिति क्या है। तो जो रॉयल ग्लोरी है, स्प्लेंडर जो है, यू नो राज राजसिक थर्ड पार्ट, उसका केवल वो एक छाया मात्र अनुभव कर रहे थे, राइट। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र एक छाया भास बोलते हैं ना उसको, यू नो आभास कि मैं राजा हूँ, यू नो मैं बहुत बढ़िया जी रहा हूँ, उस आभास को लेकर वो जी रहे थे और उसी से यू नो उनको हिलाने के लिए धृतराष्ट्र विदुर जी क्या कर रहे हैं सब यू नो भयानक भयानक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। तो ऑफकोर्स प्रभुपाद यहाँ पे परपट में बहुत सारी चीजें लिखते हैं, इसको फिर हम लोग देखेंगे अगले इस समय में, थोड़ा क्षमा कीजिएगा मैं एक्चुअली समय आज मैनेज नहीं कर पाया, नहीं तो और दो चार श्लोक हो जाते इसमें से, ठीक है, क्योंकि 8 बज गए, आपके अपने अपने कार्यक्रम कहीं रहेंगे, आप उसको ज्वाइन कीजिए, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर इस दो चार दिन में मैं आपको प्रश्न भी देने का प्रयास करता हूँ, फिर 9वें अध्याय के आपको प्रश्न देकर फिर आपकी एग्जाम भी करानी है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे विदुर जी उनको याद दिला रहे हैं धृतराष्ट्र को कि जीवन का काल तुम्हारा समाप्त हो रहा है, समय आ गया अभी अपने आप को जागृत करो और भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, पंचाकल्पतरुवेश्य कृपा सिंधु अनंत कोटि मिलते हैं।